भागो 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 अरे भागो भागो अरे भागो भागो बाप रे अरे बहुत भागो अरे मार मर गया। नमस्ते भाई, मैं आपका भाई विजय। मैं बगीचे में काटे हुए 108 नारियल आपके लिए लेकर आया हूँ। खुश है ना? और सुनिए, चावल के खेतों में कोलम और बासमती की अच्छी फसल हुई है। दूसरे खेतों में सींग और कापूस की भी अच्छी फसल हुई है। कुल मिलाकर इस साल मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद चाहिए मतलब चाहिए। इस बार अगर बेवकूफ बनाया तो भाई भाई का रिश्ता खत्म समझो। जल्दी भागो, यहाँ बैल आ रहा है, वो सबको मार रहा है भैया। कौन, वो कालिया? हाँ भैया, जल्दी चलो, वो पागल हो गया है, जल्दी चलिए। आ रहा हूँ। कालिया रुको, तुझे सींग मारना है ना? आ मुझे मार। डर लग रहा है क्या? तो भगदड़ क्यों मचा रखी है? मंदिर का खाना खाके गांव में लोगों को फालतू में परेशान करता रहता है बेवकूफ। क्या हुआ तुझे? ठीक तो है? तो ये बात है, पूछ में पटाखा बांध रखा है। अब समझ में आया, तुम तो अच्छे हो। अरे भाई कौन है बैल की पूछ में पटाखा बांधने वाला? वैसे कोई नहीं है भाई। भाई इसने बांधा था। यहाँ आओ भाई। ए यही है ये बहादुरी आपने? हाँ, मेरी बहादुरी है भाई। अपनी गलती को बहादुरी समझता है? अरे रे 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 रे। ए घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, बेहोश हुआ है भाई साहब। होश में आने के बाद अपने घर चले जाना। चलो भाई साहब, आप लोग भी अपने अपने घर जाओ। कालिया भाई, आप भी तो चार बच्चों के बाप हैं, कि आप ये नहीं जानते अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे गांव से निकाल दिया जाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं कर सकते। आप मजा करो, पूरा गाँव आपका ही है, जाओ। विजय, क्या हुआ माँ? खाना खाए बिना ही काम करता रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। क्या करूँ माँ, काम नहीं करूँगा तो सबको तकलीफ होगी ना। आ रहा हूँ माँ। भैया भैया, अपना गोरा बहुत मस्ती कर रहा है, आप भी उसे काबू कर सकते हो, जल्दी चलो भैया। हाँ अब आके बता रहे हो, तुमने तो उसे बिगाड़ रखा है। माँ आप खाना खा लो, मैं आके खा लूंगा। विजय खाना खा कर जा बेटा। ए रुक 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 गोरे रुक, चल चल मस्ती मत कर, चल। मस्ती करता है, बहुत काम बाकी है। तुम्हारा बाप करेगा क्या? कितने सारे काम है, सुबह खेत में जाके सब काम करने पड़ते हैं, तुम सबको चारा खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, फिर खेत और बगीचे में काम करना पड़ता है। एक दो काम ऐसे नहीं है, बहुत सारे काम है, समझा क्या? तुम तो समझते नहीं हो, बस मस्ती की पड़ी है। परेशान मत कर वरना मारूंगा, परेशान मत कर वरना मारूंगा, चे 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 चे। परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडे लगा मैं दूंगा। आए दिन तू कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करता है, लगता है मुझसे शायद कुछ कम ही डरता है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रे 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 रे। परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडा लगा मैं दूंगा। आए दिन तू कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करता है, लगता है मुझसे शायद कुछ कम ही डरता है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रे 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 रे। परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडा लगा मैं दूंगा। रे 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 रे। अंडा दिया है मुर्गी ने, कुछ भी नहीं है इसमें,
गड़बड़ घोटाला है पूरा, शैतान की है मुर्गे ने। तू ही बहुत मुर्गे को भाव देती रहती है, अंडे छोड़ तू उसके पीछे पड़ी रहती है। पीछे पीछे मुर्गों के तू यू ही ना टहला कर, कितनी दफे मैं कहूँ तुझे समझा कर। अरे बकरे बकरे जल्दी भगरे भगरे, अरे बकरे बकरे जा तू आया जहाँ से। अब समझ जो कहता हूँ फिर से नहीं कहूँगा, परेशान मत कर, परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडा लगा मैं दूंगा। आए दिन तू कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करता है, लगता है मुझसे शायद कुछ कम ही डरता है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रे 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 रे, परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडा लगा मैं दूंगा। रे 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 रे, खिलाया तुझे फिर भी तू भौं भौं कर रहे है, भर पेट खा के भी तू चैन से न थोड़ा रहे है। खुला तुझे मैं छोड़ू तू भागेगा दौड़ेगा, तेरे पीछे मैं दौड़ूंगा तू मेरी नहीं सुनेगा। जो खाना है खा तू रसी नहीं छोड़ूंगा, जहाँ भी तू जाएगा मैं साथ तेरे रहूंगा। अरे आजा इधर तू जाता है किधर, बढ़ेगा मेरा गुस्सा ना जा उधर। अब समझ जो कहता हूँ फिर से नहीं कहूँगा, परेशान मत कर, परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडा लगा मैं दूंगा। आए दिन तू कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करता है, लगता है मुझसे शायद कुछ कम ही डरता है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रे 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 रे, परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडा लगा मैं दूंगा। रे 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 रे, परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडा लगा मैं दूंगा। अच्छे खानदान की तीन लड़कियां हैं, अगर आपका बेटा शादी के लिए हाँ कर दे तो मंगनी तुरंत हो सकती है। ए, 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 मैं चलू बहन जी। रुकिए दक्षिणा देती हूँ। क्या बात है? कुछ खास बात नहीं, लड़की के बारे में माजी से कुछ बात करनी थी। क्या बात करने के लिए? वो क्या है ना कि आपसे और माजी से मिले काफी दिन हो गए थे, इसलिए मिलने आया था। फिर मिलूंगा भाई। नहीं कोई जरूरत नहीं है, जाओ भाई। दोबारा यहाँ आया तो आधा किलो कम हो जाएगा, सही कहा ना? क्या माँ इस पे पैसे बर्बाद करती रहती हो, लड़की दिखाता हूँ लड़की दिखाता हूँ कह के कभी लड़की दिखाइए, लड़की के लिए ऐसे पैसे क्यों देती रहती हो? लड़की नहीं दिखाने के लिए ही तो मैं उसे पैसे देती रहती हूँ। क्या कहा? हाँ बेटा, मैं अब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तुमसे नहीं छुपा सकती, तुम्हारी अभी भी एक जिम्मेदारी बाकी है। वो क्या है आज तुम्हें बताती हूँ। कौन हो तुम लोग जो मेरे खेत में शराब बना रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे खेत में आकर शराब बना रहे हो? सब लोग यहां से चले जाओ।
तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पिताजी को मारने वाले वो नीच लोग कौन है माँ? मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी को तीन लोगों ने मारा है, ये किसने कहा? तुम इस फोटो को देख देख कर रोती रहती हो माँ, मैं क्या जानता नहीं? मैंने बहुत फिल्मों में देखा है और ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत फिल्मों में भी देखी है, मैं जानता हूँ। बताओ माँ, कौन है वो तीन लोग? तुम्हें किसी से भी कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है बेटा। तू बार बार टूरिंग टॉकीज में फिल्म देखने जाता था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ था मैं बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी सिर्फ एक अच्छे व्यापारी ही नहीं थे, एक अच्छे स्टेज आर्टिस्ट भी थे। ये जीवन पहली सी है, ये जीवन पहली सी है, कहीं धूप की गर्मी है तो कहीं छांव सी नरमी है, ये जीवन। पहली बार स्टेज पर देखा तभी से मैं उन्हें प्यार करने लगी थी, लेकिन ये बात मेरे भाई को पता चल गई और हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारा खानदान क्षत्रिय जाति का इज्जतदार खानदान है। नौटंकी वाला हमारा दामाद बने या मुझसे सही नहीं होगा। वो नौटंकी करने वाले नहीं है, उनके पास जमीन जायदाद भी है। उसके खेत में इतनी जगह है कि हमारे घर के गाय भैंसों को बांध सके। तुम किसी से भी शादी कर लोगी, कल को तुम्हें दुख होगा तो यही हमारे दरवाजे पर आकर ही रोओगी। मेरी बात सुन लो, मैं जिस लड़के से कहूंगी तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। अगर उस नौटंकी से शादी करनी है तो इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। भाभी, मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए। मैं चलती हूँ। सुनो बहन, मेरे घर छोड़ने के बाद मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ मंदिर में शादी कर ली। मैं बड़े ही नाजों से पली बड़ी थी, ये ध्यान में रखकर तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार दिया था। और फिर तुम पैदा हुए, तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन खेत में काम करते वक्त तुम्हारे पिताजी अचानक बेहोश हो गए। मैं तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि दिमाग में चोट लगी है, 4 दिनों में ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत थी। इतने पैसों के लिए मैं किसके घर पर जाऊं? जिस भाई के घर को मैं छोड़ कर आई थी उसी घर मुझे जरूरत के लिए वापस जाना पड़ा। पार्वती आओ, कब आई तुम? क्या बात है? घर छोड़ के जाने वाले से आप बात क्यों कर रहे हैं? अंदर जाइए। भैया भैया, उनकी जान खतरे में है, वो मौत से लड़ रहे हैं। उनको बचाना हो तो 1,00,000 का खर्चा होगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अचानक से इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? भैया, भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने सुहाग को बचाना चाहती हूँ। क्यों? अपनी मनमानी से मंदिर में जाकर उसके साथ शादी की थी ना, तो अब भगवान से जाकर मांगो। पार्वती बताओ किस हॉस्पिटल में? जी, हमारे पैसे की इससे जरूरत नहीं है, हमारी बेइज्जती करके चली गई थी ये। अगर आपको इसकी मदद करनी है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। चलिए अंदर, चलिए। भैया भैया, अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। अभी मैं जा रही हूँ, अगर मेरे सुहाग को कुछ भी हुआ तो याद रखना, आप पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाओगी। मैंने अपनी तरफ से जो बन पड़ा उन्हें बचाने की कोशिश की,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। थोड़े ही दिनों में एक कार एक्सीडेंट में भैया और भाभी की मौत हो गई। तो बार बार पूछता था ना कि ये बड़ा घर सूना क्यों पड़ा है, याद है ना तुझे? उस घर में मैं और मेरा भाई बड़े हुए थे। खंडर बने उस घर को तुम ही आबाद कर सकते हो, ऐसा मेरा भाई मुझे सपने में आकर बार बार कहता रहता है। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन उसके सपने को पूरा करना तुम्हारे हाथों में। बेटा बेटा, तुम हमारे सपने को पूरा करोगे ना? ये क्या कर रही हो माँ? मेरे भाई की इकलौती बेटी को उसके मामा मद्रास ले गए थे। तुम मद्रास जाकर उस लड़की को ढूंढो, उसके दिल में जगह बनाकर उससे शादी करनी होगी। ओहो, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देती तो बीएससी एग्रीकल्चर करने की बजाय मद्रास जाकर उस लड़की को ढूंढ कर उसके दिल में प्यार जगाकर उससे शादी करके उसको इस घर की बहू बनाकर कब का ले आया होता? इसमें एक समस्या है बेटा। क्या समस्या है माँ? मेरे दिए हुए श्राप के कारण वो हादसा हुआ था ये समझकर पार्वती के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं होने चाहिए, ये वादा लेकर मेरी भाभी मरी थी। इसीलिए तुम पार्वती के बेटे हो, ये बात किसी को नहीं बताना। मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रही हो? अच्छे काम के लिए झूठ बोलना गलत नहीं बेटा। बचपन में झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो कह कह के मारती रहती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद झूठ बोलने के लिए कहोगी तो क्या मैं कह पाऊंगा? और फिर जिस लड़की को झूठ पसंद हो वो लड़की कैसी होगी? लड़की, रुक अभी आती हूँ। कोई घर पर है? पार्वती बहन। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, कोयम्बटूर में एक और लड़की है। कोयम्बटूर में? तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकलो। और कुत्ते ने तुम्हें रोका नहीं? कुत्ता भी अपने लिए पत्नी ढूंढ रहा होगा भाई। सही कहा, मुझे अपने लिए मिल गई है, तुम जाके उसके लिए ढूंढो, जाओ। टॉमी भाई, टॉमी भाई। विजय, ये देखो फोटो। ये क्या है माँ, इतने कम कपड़ों में? सीने पर तिल भी है, जब वो 3 साल की थी तब की फोटो है। 3 साल के फोटो का तिल और अब ढूंढने के लिए कर रहे हो? पीछे उसका एड्रेस भी नहीं लिखा है, अब मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ पर तुम्हारा दिमाग चलाओ। दिमाग चलाने के लिए ये काम दिया है क्या? अपना ख्याल रखना बेटा। मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, तुम अपना ख्याल रखना माँ, मैं कामयाब होकर आऊंगा। ये बदबू कैसी आ रही है? टॉमी कुछ लेकर आए हो क्या? ए, खड़े खड़े मुँह क्या देख रहा है? ये सूखी हुई मच्छी ट्रक में डालो। ये इतनी सूखी मच्छी किसके लिए? सब तुम्हारे लिए है बेटा, तुम सूखी मच्छी के बिना खाना नहीं खाते हो ना? वो तो ठीक है, लेकिन ट्रेन में मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे। ये उनके लिए नहीं है बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। जा तो अकेला रहा है, पर वापस उसके साथ आना। ठीक है माँ। ए, इस टोकरी को ट्रैक्टर में रखो और तुम भी मेरे साथ स्टेशन चलो। ठीक है भाई। विजय, ए बेटा, सुना है तू शहर जा रहा है? हाँ माँ जी। मेरा पोता भी शहर में रहता है, ये दे देना उसे। इस गांव में वो सिर्फ तेरी ही बात मानता है और तेरी ही इज्जत करता है। आपने बात बोल दी ना तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है दादी माँ, मैं चलता हूँ। ऐसे बोलने से थोड़ी काम चलेगा। अरे हाथ मिला, तेरे एक नहीं दो काम हो जाएंगे। जा। ठीक है ठीक है, इतनी सूखी मच्छी खाने के बाद 2 क्या 3 काम हो जाएंगे। चलता हूँ माँ। चलता हूँ टॉमी। सेम टू यू, पैर नीचे करो, दिख रहा है। मैंने आपको पहले बुलाया था ना? हाँ भाई। क्या कह रहे हो, मैंने पहले बुलाया था? अरे तीनों के ऑटो में कैसे जा सकता हूँ, एक में सिर एक में पैर रखूंगा क्या? तुम लोग फैसला करो किस में जाऊँ। सर कौन है पता है? मेरे खास ग्राहक है, हमेशा मेरे ही ऑटो में बैठते हैं। क्या बात कर रहे हो, मैं तो पहली बार आया। आप कुछ मत बोलिए, मेरे साथ चलिए चलिए। अरे रोको रोको, सामान अभी बाकी है। छोटा सामान नीचे रखो और बड़ा सामान ऊपर रख दो, संभाल के रखना। ये लो पैसे, सब लोग आपस में बांट लो और देखो कम ज्यादा मत करना। नहीं चाहिए। क्या हुआ? आप खुद ही रख लीजिए। सर ये सब क्या है सर? खाने की चीजें हैं। सर आप उस ऑटो में चले जाइए। ये तो गलत बात है, पहले सर सर कह के बैठाए और अब मना कर रहे हो। ए क्या लफड़ा चल रहा है भाई, एक काम करो, इस ग्राहक को तुम ही ले जाओ। तूने ही तो इसे खास ग्राहक कहा था ना, अब लेके जा। गंदी बात सारी है। ठीक है ठीक है चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नदी के ऊपर से मत जाना, वहाँ मच्छी की बदबू आती है। इससे तो कम ही आती होगी। सुनो, दिखने में तुम अच्छे आदमी लगते हो, इसी कोयम्बटूर के रहने वाले हो? कोयम्बटूर का नहीं हूँ, मैं तो रामपुर का हूँ। अरे भाई वो तो अच्छा शहर है, उसमें राह करने की क्या बात है? मैंने कहा था ना नदी के ऊपर से मत जाना, वहाँ मच्छी की बदबू आती है। ए चुपचाप बैठो, तुमने जो ऑटो में रखा है उसमें तो नदी से भी ज्यादा बदबू आती है। क्या हुआ भाई, इंजन तो पीछे है।
फिर ये आवाज आगे से क्यों आ रही है? ये मेरी आवाज है। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? सही पहचाना भाई। उतरने के बाद याद दिलाना, सूखी मच्छी देता हूँ, अच्छे से पका के खाना, तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे संभाल कर चलाओ, टोकरी गिर जाएगी। क्या कर रहे हो? गाड़ी चला रहा हूँ भाई। रुको रुको, वहाँ देखो वो शर्ट लटक रही है ना, उसी घर पे रुकना। रुक जाओ, क्या आदमी हो यार, तुम्हें मुथू स्वामी का घर नहीं मालूम? इंडिया के प्रेसिडेंट है क्या? अरे गांव में तो बच्चे बच्चे को हर किसी का घर मालूम होता है। अरे मैं कोई बच्चा हूँ क्या? देखो तुम बहुत बकवास कर रहे हो। सोचा था उतारने के बाद तुम्हें सूखी मच्छी दूंगा, लेकिन अब कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ भाड़ा दूंगा। आता हूँ, रुको। ए वॉचमैन, इस ऑटो के ड्राइवर को देखा क्या? अरे तुम ही हो क्या? ये मुंह क्यों ढक लिया? चलो चलो ऑटो निकालो। ए अंधा है क्या? ऑटो ठीक से चला, टक्कर लग जाती तो। अरे भगवान, इस ऑटो में बिठाकर मुझे आटे की तरह पीस दिया है। अरे रुको रुको, ये मनोहर का घर है, पता नहीं है? मनोहर कौन है ये? अरे दोस्त है मेरा। और बकवास मत करो, ये टोकरियां संभाल कर अंदर ले आओ। क्या हुआ? हमेशा उल्टियां क्यों करता रहता है? पेट से है क्या? कौन है तू? मुंह ढक के चोरी करने आया था क्या? सर सर सर, उसे मत मारिए, ऑटो वाला है। अरे ऑटो वाला हो या बाटा वाला, मुझे उसे क्या लेने देना। वो मुंह ढक कर क्यों आया था? ये मनोहर का घर है ना? क्यों ये मनोहर का तबेला लग रहा है? दीवारें बनाई है तो घर ही होगा ना भाई। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं। अरे मैं छोड़ो, बताओ सूखी मच्छी है क्या? लगता है आप मनोहर के दोस्त हैं। अरे आपको कैसे पता कर रहे हैं ना? नाइस टू मीट यू। मैं ऑटो के पैसे देकर आता हूँ। ये क्या, पैसे लिए बिना ही चला गया? बदबू के कारण भाग गया होगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पर मैं जानता हूँ। तो तुम ये टोकरी उठा सकते हो? उठा सकता हूँ। मनोहर भाई बाहर आओ। अरे देखो कौन आया है, सूखी मच्छी आई है। मेरा नाम नहीं ले सकते क्या? आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, सूखी मच्छी बोल। अरे सूखी मच्छी ही आई है, अरे जल्दी आओ। मनोहर, अरे सूखी मच्छी लाए हो, पका के लाना चाहिए था ना। हेलो, तुम आए हो क्या? कब आए? व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। सेंट लगाया क्या? सूखी मच्छी का सेंट। ओह सूखी मच्छी है। वाह सूखी मच्छी। ओह व्हाट इज दिस। ये कौन है? सूखी मच्छी। सूखे के लिए ही आप सूखी मच्छी लाए हैं ना। ये सब अंदर रखो। और विजय अंदर लेके जाओ। कैसा है रे तू? स्कूल डेज में देखा था, ब्यूटीफुल स्मेल। स्मेल कहने से याद आया, मेरे बैग में तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े हैं। अभी तक नहाया नहीं तू? जल्दी से नहाकर तैयार हो जा, फिर बताता हूँ ये सब लोग कौन हैं। ये जो ड्रम बजा रहा है ना, उसका नाम ड्रम मणि है। ये सब काम ड्रम बजाने के स्टाइल में ही करता है। ड्रम अच्छा बजाता है, लेकिन सैटरडे आते ही डाई करता है। सिली ओल्ड मैन। ये है फ्लूट राम सिंह, फ्लूट बहुत अच्छा बजाता है, कमाल का कुक है। इसके जैसा तो यहाँ कोई है ही नहीं। बाजा मुंह में रख लिया तो बाजा बजे या ना बजे, हवा जरूर निकलती है। इस घर में सारे इंस्ट्रूमेंट पर हाथ साफ करने वाला एक ही आदमी है, क्योंकि ये बजा नहीं सकता है ना, इसलिए सिर्फ साफ सफाई करता है। अपने आप को माइकल जैक्सन की बहन समझता है, शक्ल देखो इसकी। होगी तो देख सकेगा ना। अरे भाई मैं कब से बोलता जा रहा हूँ, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम आए क्यों हो। वो मैं यहाँ एक जरूरी काम से दो चार महीने रुकने के लिए आया हूँ। क्यों भाई, जो सूखी मच्छी लाया हो सबके सब खा के जाओगे? तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं यहाँ एक मकसद लेकर आया हूँ। तो हम यहाँ क्या कपड़े धोने के लिए आए थे? हम क्या यहाँ डोसा ऑमलेट बनाने आए थे? वैसे तुम्हारा लक्ष्य है क्या? अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बताओ बताओ। मैं एक लड़की से प्यार करके शादी करना चाहता हूँ। ये तुम्हारा लक्ष्य है? अरे इस लक्ष्य के लिए तुम सूखी मच्छी की टोकरी लेकर यहाँ पर आए हो। अपने लक्ष्य को हमें अच्छी तरह से बताओ। पहले मुझे एक लड़की को ढूंढना है, फिर उसके साथ प्यार करके उससे शादी करनी है, और उसके लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। तो ये है तुम्हारी जिंदगी का मुख्य लक्ष्य? मैं अभी इसकी जान लेकर तुम्हारा लक्ष्य पूरा कर देता हूँ। तो किसको पूछकर मेरी जान खतरे में डाल रहा है? मटन शॉप में बकरे को पूछकर काटते हैं क्या? मुंडी पकड़कर काट देते हैं बस, वैसी ही बात है। ए, कौन है वो लड़की? उसका नाम सुमति है, लेकिन वो कहाँ है, कैसी है, किस साइज की है, कहाँ रहती है, ये सब मुझे नहीं पता।
अरे जवाब तो सवाल करने पे देते हैं ना, तुम तो बिना सवाल के ही जवाब दिए जा रहे हो। इतना सस्पेंस तो राम गोपाल वर्मा की फिल्म में भी नहीं होता। कोई तो पहचान होगी ना उसकी। जब वो 3 साल की थी ये तब का फोटो है। अब ये पूरे कपड़े पहनती होगी। इस लड़की को कैसे ढूंढा जाए ये बताओ तुम लोग, मुझे तुम्हारी राय चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेरी जान पहचान वाले वहाँ कंप्यूटर सेंटर में एक ऑफिसर हैं। अगर उनको ये फोटो देंगे तो वो इसे सुनकर ही लड़की का पता लगा लेंगे, फिर हम उसे ढूंढ लेंगे। उसको हथेली को? अरे नहीं रे भाई, इस फोटो को हम मथुरा लेकर जाएंगे और वहाँ किसी अच्छे से ज्योतिष को दिखाएंगे। ये लड़की अभी कहाँ है, कैसी है, उसका अगला पिछला सब कुछ बता देगा। ये सब नहीं करना है, इस फोटो को कंप्यूटर सेंटर में ले जाएं तो अब ये लड़की कैसी दिखती है हमें पता चल जाएगा। आई थिंक तो फिर शुरू हो गया क्या? आई थिंक बोलकर सर के बाल खड़े हो गए, तेरे सुअर की तरह दिखता है तू। आई थिंक किसको बोलने दे, तू जा, जाना तू बजा। इसको क्या हो गया? ये तो रो रहे हैं, देखो तो। सर मैं नहीं रो रहा हूँ, तो आप क्यों रो रहे हैं? मेरी भी एक ऐसी बच्ची थी, मर गई, उसकी याद में रो रहा हूँ। क्यों, उस दिन नहीं रोए थे? ए, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल। इस फोटो का क्या करना है? फाड़ के फेंक दो। ए तू चुप रहेगा? अरे तुम चुप रहो, क्यों इस टकले को इतना ज्यादा भाव दे रहे हो? व्हाट मैन, क्या वोट वोट लगा रखा है? सर पे बाल नहीं है तो कम से कम दिमाग तो होना चाहिए ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए। सॉरी सर, ये थोड़ा सा पागल है इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ, पहले ये बताओ ये लड़की कितने दिन पहले गुम हुई थी? 18 साल पहले गुम हुई थी, आप इसे ढूंढ सकते हैं? एक बाल दो। देखा, इस टकले के लिए तुमने मुझे डांटा, अब ये बाल मांग रहा है। हेलो, आप ऐसी चीज क्यों मांग रहे हैं? रुको 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 रुको, सर आपको बाल ही चाहिए। यस यस, लगता है ये एक बाल से उस लड़की की शक्ल का अंदाजा लगाएंगे इसलिए बाल मांग रहे हैं ना सर। अपने आप को बहुत शाना समझते हो। शाना मतलब? अरे सर कहा ना, ये लोग पागल है, आप अपना काम कीजिए प्लीज सर। ओके आप देखो, 10 साल में ऐसी होगी, 15 सालों में ऐसी लगती होगी, 17 साल में ऐसी लगती होगी, और 18 साल में। रुकिए सर रुकिए, पहले इसे ड्रेस पहनाइए सर, इन लोगों की नजर खराब है। अरे मैं तो वही देखने के लिए आया था। पता है? अरे वाह, कपड़ों में भी खूबसूरत है। विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। विज्ञान ने इसकी दाढ़ी भी बढ़ा दी है। सुपर डिलक्स। ए, ये क्या बस है? व्हाट मैन? सर सर सर, आप अपने विज्ञान के जरिए इस लड़की का एड्रेस भी ढूंढ सकते हैं। हाँ सर। ये नहीं हो सकता, इसका चेहरा देखकर तुम खुद ही ढूंढ लो। देखा, सब लोग जोड़ी बना के घूम रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा है, लेकिन इसे तो जरूर मौका मिलेगा। विजय, मामा की लड़की और एड्रेस भी नहीं है, अब तो उधार में ली हुई मूंगफली भी खत्म हो गई है, हम लोग कब तक ऐसे पार्क में बैठे रहेंगे बताओ? पार्क और बीच पर ही ढूंढना चाहिए। अरे तुम लोग बिना कहते हो रिश्तेदार से शादी करनी है, हजारों सालों से यही चलता आया है। पता है साइंस कितना आगे बढ़ गया है? रिश्तेदार से शादी मत करो, अगर शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चे हेल्दी नहीं होंगे, समझ में आया कुछ? क्यों सोचते नहीं हो क्या? ओहो, अरे भाई अभी तक लड़की मिली नहीं और तुम होने वाले बच्चों के बारे में बातें कर करके मुझे परेशान कर रहे हो मेरे बाप। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो लड़की इस जन्म में मिलने वाली है नहीं, आखिर में इसी को लेकर तुम घूमते रह जाओगे, समझो? ये बॉल किसने फेंका? मुझे गलत जगह पर लग गई है, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अरे मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा?
है? पानी कहाँ? वहाँ। ए चुप, मैं विजय की बात कर रहा हूँ। ए, उन दोनों को पानी में मजे उड़ाने दो। लगता है वो मजा लिया जा रहा है। शर्त लगा, मजा नहीं ले रहा है। तू कितनी की शर्त लगाता है? अरे समंदर में ना आकर गंदा मत करो, इसे फिर से साफ करने में सालों लग जाएंगे। उठा लिया, कमाल कर दिया। लगता है यही सुमति। क्या हुआ है इसे? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? ये पानी में डूब रही थी और ये बचा कर लाया। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी करो भाई, लेकिन पेट से पानी निकालो। हाँ, पानी निकालो। If you don't mind, can I have one? दबाऊं क्या? उन लड़कियों से क्या पूछ रहा है? दबाना तो इसका है ना। चुप करना, अगर वो उठ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। Excuse me? संभाल कर, ये तो समंदर से निकला हुआ मोती है भाई, संभाल कर पानी निकालो। संभाल कर क्या मतलब? बाल्टी में पानी निकाले? चुप नहीं रह सकते। होश में आ रही है, होश में आ रही है। ए भाई, इससे पूछ लो कि तेल है कि नहीं। अरे यार, कैसी बात कर रहा है, तू खुद ही खोल के देख लेना। ठीक है। कौन हो तुम? सुंदरी, ओ सुंदरी। चुप रहो, मैं तो बॉल लेने पानी में गई थी, पर तुम पानी में क्यों आए? पापी, तूने खुद ही पहले इसे पानी में डुबाया था क्या? मेरे दोस्त गलत समझ रहे हैं, मैंने तो आपको बचाया है, अपनी सहेलियों से पूछ लीजिए। तुमने बचाया? वो भी मुझे? हाँ। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम सुमति हो जो पानी में से अपनी बॉल लेने के लिए गई थी। ए भाई, इसके अलावा किसको उठाना चाहता? हाँ हाँ, मैं सुमति हूँ। पिछले हफ्ते ऑल इंडिया स्विमिंग कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई थी, पता है तुम्हें? अरे बाप रे, बाप रे। हमारा बाप वहाँ है क्या? सिर्फ यही नहीं, रनिंग कॉम्पिटिशन में भी। पीटी उषा को पीछे छोड़ दिया था। यस, जापान में कराटे। ब्रूसली को तुम नहीं मारा था क्या? ओ कॉन्ग्रेट्स। हाथ हटा, तार पर कपड़े सूख रहे हैं ऐसा लग रहा है तू। ये लोग चले गए, अब हम लोग बात कर सकते हैं। आपका नाम सुमति है ये तो पक्का है। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या पूछना है? आपके सीने पर तेल है क्या? उसे कैसे मालूम पड़ा? क्यों भाई विजय, तुझे प्यार करने के लिए इस लड़की के सिवा और कोई नहीं मिली थी क्या? भाई हम तो 500,000 रुपए कमाने वाले हैं। वो लड़की कराटे कुंग-फू सब जानती है, वो हमारे हाथ पैर तोड़कर हॉस्पिटल पहुंचा देगी। भाई मुझे ये खेल नहीं खेलना है। सुनो, यही तीन लोग मेरे हाथों से पका हुआ खाना खाते हैं, इन लोगों को मुझसे अलग मत करो यार। But what I say? तू बीच में क्यों बोला? इस बाल की दुकान को उस दिन भगाने को कहा था ना मैंने, पर तुम नहीं माने। कहने लगे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करता है। क्यों भाई विजय, वो खड़ूस लड़की नहीं मिली तो क्या? इस देश में बहुत सारी लड़कियां हैं। क्या कहा? हमें अपनी औकात के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से, पतली हो या मोटी हो, गोरी हो या काली हो, लंबी हो या नाटी हो, ऐसी ही किसी लड़की को खोज के हमें उससे प्यार करना चाहिए। ऐसा ही कहा ना मनोहर? बिल्कुल सही। वैसे प्यार करोगे तो तुम्हारा लक्ष्य आराम से पूरा हो सकता है ना मनोहर? बिल्कुल सही। क्या हुआ? ये विजय पागल घोड़े को अपने वश में करना अच्छी तरह जानता है। उसका घर कहाँ है, आंगन में क्या है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये जानने के बाद वो मुझे पसंद करे इसके लिए क्या करना है, ये हम बाद में सोचेंगे। अभी मेरी बात का जवाब दो। सुब्बा, उसकी गाड़ी का नंबर क्या है? TN072345। ये इस गाड़ी की मालकिन का घर है। आपने एक बात नोटिस की? इस घर में दो दो गेट है। अंदर कैसे जाएंगे? गेट खोल कर जाना होगा। बिना खोले जाना चाहते हो? पकवान, तू अगर 1947 से पहले पैदा होता तो तू अकेला ही अंग्रेजों को भगा देता। थैंक यू, नो मेंशन। ए चुप, कैसे पता चलेगा कि यही सुमति का घर है? मम्मा, ये क्या बेटी, आज तुम बहुत जल्दी बाहर जा रही हो? मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरे जीके भी सर फ्लूट प्रोग्राम में जा रहे हैं, रात को आने में देर हो जाएगी, तो आप तब तक इंतजार मत करना, खाना खा लेना और आराम से सो जाना। ओके बेटी, जब तू मुझे माँ कहकर बुलाती है ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ, ये सोचकर बहुत दुख होता है बेटी।
ये आप क्या कर रही हो माँ? क्या समझती है अपने आप को? तेरी इतने हिम्मत की तू रात को देर से आएगी कह रही है? क्यों री? अभी तक तेरी शादी भी नहीं हुई, तेरे घर वापस आने तक मैं डरती रहती हूँ कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। अपने मन से आ रही है, अपने मन से जाती है, समझती क्या अपने आप को? चला अंदर। मम्मा, तुझे इस तरह से डांटने के लिए मैं तेरी सगी माँ थोड़ी हूँ बेटा। मैं तो सिर्फ तेरी पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। बचपन में तेरे माँ बाप तुझे मेरे सहारे छोड़ गए, तेरे लिए मैंने शादी नहीं की, तुझे ही अपनी औलाद माना। अब तो तू ही मेरे लिए मेरे जीवन का उद्देश्य है बेटी। मैं किसी तरह तेरे हाथ पीले कर दूं, लेकिन आजकल समय ठीक नहीं है, तू तो जानती है ना, तेरी मेरी तरह कुंवारी लड़की। क्या हुआ, हिचकी आई? तेरे मेरे जैसे कुंवारी लड़कियां अगर रात में देर से आएंगी तो गलत नहीं है क्या? ऐसी गलती ना हो यही सोचकर घर में मैंने किसी पुरुष बटलर को नहीं रखा, सारी की सारी लेडीज बटलर को रखा है मैंने। सिर मत हिला, कुछ समझ में आया क्या? देखो, मुझे तुम्हारी बातों का दो मतलब अभी हमें पता चला। सुनो माँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सही सलामत जाऊंगी और वापस आऊंगी। बाय। मेम साहब, आपने सफेद ड्रेस पहनी है, आपको इसी गाड़ी में जाना चाहिए। तुम मुझे बताओगी? क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्रॉसिंग, भाई साहब क्रॉस हो गई। होती है तो होने दे, उसको बच्चा थोड़ी होने वाला। फालो फालो फालो, सांप निकल गया लकीर मत पीट। नीचे उतर और जाके पूछ कि मेम साहब कहाँ गई है, तब हम लोग उससे पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, समझा कि नहीं? वेरी गुड, यू ग्रेट। गुरखा सुमति, वी आर गोइंग। लाल शर्ट वाले, चिल्ला मत यार। ए लाल शर्ट वाले, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कॉफी मांगने पर ये दूध देकर चला गया। अरे ये रहा दूध, कॉफी और शक्कर, फाइव स्टार होटल में ऐसा ही होता है यार। ऐसा है क्या? फिर हम खाना मांगेंगे तो चावल और गर्म पानी देंगे, कहेंगे खुद ही बना के खाओ, ये कैसा फाइव स्टार होटल है भाई? क्या फालतू बकवास करते हो, चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या? मैंने पहले ही कहा था कि इस होटल से अच्छी कॉफी मैं बनाता हूँ, लेकिन सुनोगे तब ना। अरे चिल्ला मत यार, तुम्हारा शोर सुनकर आने वाले होंगे तो भी नहीं आएंगे, वैसी देर हो गई। तो फिर दोपहर के खाने का ऑर्डर दे दो, हम यहीं से खाकर जाएंगे। इसके हाथों का खाना खा कर रुक गए। अरे खाना है तो खा, लेकिन हल्ला मत कर, चुपचाप बैठ। साड़ी? साड़ी नहीं, जींस, स्ट्रेच वाइट जींस। कमाल की लड़की है। विजय तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। Nice dress. Oh, शर्ट में बहुत सारे बटन भी हैं। अरे 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 क्या कर रहे हो? Excellent, superb. Please, madam, ये आपको अच्छा लगता है? उसने ऐसा क्या कर दिया? एक बंबू जैसी लकड़ी को लेकर उसमें छेद करके एक घंटे से फूंक रहा है टकला, और आप उसे किस दे रही हैं? मेरे दोस्त के देखो, इसके हाथ कितना गोरा है, इस पे किस करो? तुम लोगों में जरा भी डिसेंसी नहीं है। वक्त आया तो अपना हाथ ही गंदा कर लिया, चलता है हाथ दे। स्टॉप इट, नो टेंशन गर्ल। चुप रह खजूर। तुम में अकल है कि नहीं? संगीत का ज्ञान तो है नहीं, और ज्ञानी को इज्जत तक नहीं देते, जाहिल कहेंगे। चलो। यस। बट तू किस पार्टी में? वो चली गई क्या? तुम कहां जा रहे हो भाई? बिल क्या तुम्हारा बाप पे करेगा? अभी बिल पे करना जरूरी है। बिल अगर नहीं पे किया तो हम बाहर नहीं जा सकेंगे। अरे वो म्यूजिक भी जानती है क्या? इससे हमें पता चल गया कि उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। अब कल देखना। भाई वो आ गई, वो आ गई। अरे तो कुत्ते की तरह तू क्यों भौंक रहा है, हमें भी सुनाई देता है। वो बात नहीं, सुमति आ गई। विजय पार्टी आ गई। विजय
ओके, सबको मेरी बात याद है ना बच्चों? ओके। मैंने जो गाना सिखाया वही गाना। तुमने गाना सिखाया है? यस। Bumchik bumchik bumcha bum bum ba bumchik bumchik bumcha bum. Bumchik bumchik bumcha bum bum ba bumchik bumchik bumcha bum. Bumchik bumchik bumcha bum bum ba bumchik bumchik bumcha bum. Bumchik bumchik bumcha bum bum ba bumchik bumchik bumcha bum. Kaka ka ki ki ku ku kaka ke ku 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 ke ke. Kaka ka ki ki ku ku kaka ke ku 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 ke ke. Kaka ka ki ki ku ku. Kaka ka ki ki ku ku. Very good. Kaka ka ki ki ku ku kaka ke ku 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 ke ke. Padunga. Kaka ka ki ki ku ku kaka ke ku 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 ke ke. Kaka ka ki ki ku ku kaka ke ku 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 ke ke. Kaka ka ki ki ku ku kaka ke ku 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 ke ke. तुम ही बताओ कि क्या सा जब छेड़ू मैं, जो मन को भाएगा वो ही धुन गाऊं मैं। हे छेड़ कोई हम गीत भी ऐसे मोर पपी है मिलकर गाए बोलो सानी धनी तुम ही बताओ कि क्या सा जब छेड़ू मैं, जो मन को भाएगा वो ही धुन गाऊं मैं। कहो यूं मुंह फेर के न जाओ, जो कुछ हुआ बुरा उसे भूल भी जाओ। आओ हम गिटार ड्रम्स को मिल के बजाएं, मन को भाए जो राग उसको ही गाएं। मौका मिला है इसे न छोड़ो, फिर न मिले ये हंसी समा। कहती है फिजा छाया है नशा, वक्त पे किसका बस चला है। गाए संगीत हम जोर से बोले, वादियां भी ये गाए, झूम उठती फिजाए। सात सुरों से ताल मिला के गाए गीत हम ऐसे, तुम ही बताओ। तुम ही बताओ कि क्या सा जब छेड़ू मैं, जो मन को भाएगा वो ही धुन गाऊं मैं। का 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 की की गु गु का का के गु 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 के के। का 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 की की गु गु का का के गु 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 के के। जैसे ताल है गीत में देता, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, अनजाने सच बात को भी वो न समझते। जानने पर होता है उनको धोखा, होगी
हम तो रहमत अदा, धूप कटेगी साए तले, अपने खुदा से यही है दुआ, मंजिल लगा ले हमको गले, जैसे बचपन जाकर लौट कर नहीं आता, दौर ये वैसा है बीत कर नहीं आता, छोड़ आलस को दौड़ दौड़े हम पाले हर एक मुकाम को, तुम ही बताओ कि क्या सा जब छेड़ू मैं, जो मन को भाएगा वो ही धुन गाऊं मैं, तुम ही बताओ कि क्या सा जब छेड़ू मैं, जो मन को भाएगा वो ही धुन गाऊं मैं, हे छेड़ कोई हम गीत दिए से मोर पपी है मिलकर गाए, बोलो सानी धनी धपा धा मपा मगा, तुम ही बताओ कि क्या सा जब छेड़ू मैं, एक्सलेंट, थैंक यू। अरे मुझे पीछे चोट लग रही है, सॉरी। ओह नो, वो जैसा मत चिल्ला, जरा मुझे 1000 रुपए देना। विजय तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, ये लो तुम्हारा इनाम। मुझे पैसे दे रही हो? क्यों मैडम, आप हमें भिखारी समझती हैं क्या? आप जानती है कौन है? कौन है जानती हो? भाई कौन है जानती हो? भाई कौन है जानती हो? कौन है जानती हो? भाई कौन है जानती हो? जानती हो मैं कौन हूँ? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, तो तू बताना। रुको ना, सोचने के लिए वक्त तो दो। सोच लिया। हर हफ्ते स्कूल में जाकर वहाँ से बच्चों को ले जाकर रास्ते पर भीख मांगता है। मेरा मतलब सारे बच्चों को ले जाकर, सारे बच्चों को गाना सिखा कर, आखिर में लॉलीपॉप खिलाता है, जरूरत पड़ने पर मुर्गी भी पकड़ता है। करोड़पति है ये। ये कौन है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई रोड पे गाना गाता है तो मैं उसे भीख देती हूँ, और मैंने वही किया। उस दिन तो तुमने उस संगीतकार को ज्ञानी कहा था, लेकिन ज्ञानी का मतलब भी समझती हो तुम, शायद तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। विजय ये पैसे रख लो, जाते वक्त कोई लड़की मिल गई तो तू फिर से गाना गाएगा, और अगर उसने कुछ नहीं दिया तो चल। चलो चलो पैसे तो रख लेते हैं, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, बहुत जोरों से भूख लगी है। मैरिड, 64 years old लेडी मैरिड। छी, इसलिए मेरी बेटी कह रही थी कि कुछ भी पढ़ो पर इंग्लिश किताब मत पढ़ो। गुड मॉर्निंग आंटी। अरे आओ आओ मैनेजर बैठो, क्या बात है आज बैग लेकर आए हो? कुछ नहीं आंटी, सब ऑफिस की फाइल्स है, मैडम से साइन करवानी है इसलिए आया हूं। बैठो। सुमति, क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? मैनेजर तुझसे साइन लेने आए हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपकी कंपनी की बैलेंस शीट इसमें है, मामा ने देख लिया है, आप भी देख लेती हैं। मामा ने देखा है ना, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, बाकी तुम देख लो। एक्सक्यूज मी मैम, इस चेक पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए पेन। थैंक यू। 1 second मैम। यस। हमेशा साइन करने से पहले किस लिए साइन कर रही है ये तो जान लीजिए। भरोसा करने वाले पर शक नहीं, और जिन पर शक हो उन पर भरोसा नहीं, यही मेरी पॉलिसी है। शिवलाल सिंसियर है ये मैं जानती हूँ। ये लो पेन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कितने दिनों से चोरी का काम कर रहे हो? सर इस बार माफ कर दीजिए, छोटी गलती समझकर। छोटी गलती? मैं जब से इस कंपनी में काम पर लगा हूँ तब से अपने खुद के पर्सनल पैसों से चाय पीता हूँ, तुम्हें ये पता नहीं है? आज तुम पिन चुराओगे, कल कंपनी से कैश चुराओगे, दोबारा चोरी नहीं करोगे ये कैसे मान लूं? इस बार माफ कर दीजिए ना। मिस्टर सीताराम मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सर दोबारा ऐसी गलती? तुमने छोटी सी चोरी की इसलिए तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रहा, चोरी की आदत सुधारने के लिए मैंने 1 हफ्ते के लिए तुम्हें सस्पेंड किया है। यू मे गो। सिंसियरिटी क्या है शिवलाल, तुमने साबित कर दी। लेकिन फिर भी इस आदमी को तुमने जो सजा दी वो थोड़ी ज्यादा है। और क्या करता सर, आपने और मैडम ने मुझ पर भरोसा करके मेरे कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है, भला उसे कैसे तोड़ सकता हूँ? रोज ऑफिस से पेन पेपर पेंसिल वगैरह चोरी होगी, और यहाँ का मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से कुछ भी चोरी ना हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। सिंसियरिटी का एक नाम तुम हो और दूसरा नाम मैं हूँ। रुक जाओ, मत
मारो मत मारो मत मारो, रुक जाओ। अरे एक आदमी को चार लोग मिलके मार रहे हैं। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रुक जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जाओ ब्रदर, तुम जाओ। थैंक यू सर। वो मुझसे हाथ मिला रहा है, तू हाथ आगे क्यों कर रहा है? चल भाग जाओ। सर सर घड़ी ये लीजिए। थैंक यू। ये मेरी घड़ी है यार। ए रुक। अरे तुम नहीं, मैंने इनको पकड़ रखा है, तुम जा ब्रदर। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, कहीं करती होगी। कितने सीधे आदमी है, और तुम लोग मिलकर मार रहे थे उन्हें। पुलिस आओ आओ यहाँ। आइए आइए आइए, आज पहली बार पुलिस सही समय पे पहुंची है। ए आज तुम्हारा एनकाउंटर है। ए क्या कर रहा है, छोड़ दे उन्हें। ए चल बता। इस स्मगलर आनंद राज को मैंने पकड़ लिया था, लेकिन इसने उसे भगा दिया। इस पे भरोसा मत कीजिए सर। अरे आप मेरा पैर क्यों दबा रहे हैं? क्यों रे, ये सब तुझे चोर लगते हैं? ये पुलिस ऑफिसर्स हैं। दिखने में तो चोर लग रहे हैं। चलो चल। सर सर इसमें सच्ची में पुलिस कौन है? स्टेशन चल बताता हूँ। गन में गोली है क्या? चला कर दिखाऊं क्या? छोड़ो यार, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। सर गुड मॉर्निंग सर, आपने हमें बुलाया क्या सर? आओ मनोहर बैठो। रात को एक आदमी को अरेस्ट करके मैंने लॉकअप में डाला है, वो कह रहा है कि तुम्हारा दोस्त है। जरा देख कर बताओ तुम्हारा दोस्त है क्या? मुझे थोड़ा डाउट है, ये खर्राटे कहीं सुने हुए लगते हैं। इज दिस? हाँ भाई, ये खर्राटे की आवाज है विजय की आवाज से मैच होती है। करेक्ट विजय। ब्रदर ये क्या मनोहर, तुम अंदर कैसे गए? हे भगवान, देखा तूने, लगता है पागल हो गया है। सर टॉर्चर किया था क्या? टॉर्चर हमने नहीं, इसने किया है, पूछो उससे। ए क्या हुआ था दोस्त, अंदर हम नहीं हुए, तू हुआ है, इधर तो आ। मैं ही अंदर हूँ, नींद में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ए मनोहर। विजय मैंने कुछ नहीं किया है यार। व्हाट? सर ये मेरा दोस्त है, बेगुनाह है ये। बेगुनाह है? लेकिन इसने तो अपना नाम विजय बताया था। ये मेरा दोस्त विजय है, ये बेगुनाह है सर। नहीं नहीं, हाँ हाँ ये बेगुनाह है सर। गांव से पिछले महीने ही आया है सर, यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। इसकी शक्ल तो देखिए, कितना सीधा साधा लड़का है, कितना मासूम है, ये गुनाह कैसे कर सकता है सर? ओके तो आपने इसे माफ कर दिया ना? नो मनोहर, ये तुम्हारा दोस्त है इसीलिए छोड़ रहा हूँ। जमानत पर साइन करके इसको यहाँ से ले जाओ। थैंक यू। ए बेकार में सर को क्यों भाड़ कर रहा है? लॉक खोल दो। सॉरी लूज मोशन। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, जीते रहो जीते रहो। ओह ताला खोल रहे हैं, मैं समझा कि पैर पड़ रहे हैं। मेरी बात सुनो मनोहर, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को मारने वाले क्रिमिनल को इसने बचाया है, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। अगर इसने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। जी सर। अच्छी स्मेल है। मनोहर सर दोबारा यहाँ आना तो अकेले आना, ऐसे नमूनों को साथ मत लाना। सर इसे तो देखकर ही डर लगता है। थैंक यू। चल आपने बुलाया सर?
तुझे नहीं बुलाया। फिर बैल क्यों बजाई? अभी यहाँ एक बंदर आया था, उसी ने बजाई होगी। स्टॉप स्टॉप। क्यों भाई, कुत्ते ने काट लिया क्या? चुप रहो विजय। सुमति अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्थ क्लब में जा रही है। ए, एक राउंड हो चुका है ना? डबल लगाना है क्या? वहां देखो भाई, डंबल्स को देखो। ओ फॉलो मी। ए चल नीचे क्या देख रहा है बे? ए तुम लोग सब उधर जाओ। ओ चलो। मैं इसे उठाऊंगा। तू इसे उठाएगा? कटिंग या शेविंग? नो नीड। ए खड़े खड़े तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? कुछ ना कुछ करते रहो, समझे? क्या कुछ ना कुछ करते रहो, मजदूरी करने आए हैं? ए वो ऐसे नहीं किया जाता। तू कैसे किया जाता है? ऐसे कैसे? जो मैंने देखा है वो तुम लोग देखोगे तो ऐसी बात नहीं करोगे। ए अच्छे से कसरत करो, नहीं तो तरबूज बन जाओगे, सॉरी गेंडे की तरह हो जाओगे। ए उस लड़की से सीधे सीधे बोल दो ना, मुझे क्या बोल रहे हो? उस लड़की की शादी तो हो जाएगी लेकिन मेरी किस्मत में नहीं लिखी है। यहाँ देखो इसकी पर्सनालिटी को देखो। हे मिस्टर, किसको देखकर मजाक उड़ा रहे हो और गेंडा किसे कह रहे हो? तुम्हें देखकर। लड़की अगर खूबसूरत हो तो उस पे नजर जाती है ना, लेकिन लड़की की आंखों में गुस्सा हो तो अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में सवाल करोगी तो समझ में आता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में सवाल करोगी तो पागल नहीं समझूंगा। मिस्टर तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। बार बार मैं आपको परेशान करता हूँ या आप मुझे परेशान करते हैं? क्यों सही कहा ना? क्या था? जस्ट शट अप। अब तुम ये पागलपन बंद करोगे या नहीं? मैं बच्चा नहीं हूँ, कितनी जोर से चिल्लाने से डर जाऊंगा? बात करने की तमीज नहीं है क्या? जीते रहो बच्चे। ये क्या जिएगा? चलो गोमा। सॉरी मैडम। अरे वाह, एक बार और मारो, देखने में मजा आ रहा है। चुप रहे, वो छींक रही है ना? हाँ तुम छींको। ए उजड़े चमन। अरे टकले क्या कर रहा है? अभी कैसे मार सकता है? अभी तो मार खाने में बिजी है ना। अरे बाप रे, उठाओ मारो इसे। कैसी लगी मेरी स्टाइल? चल हाथ हटा। अपने पिताजी का एड्रेस दो, मैं शादी की बात करूंगा। तुम सब लोग यहाँ क्या तमाशा देख रही हो? चलो यहाँ से। अरे सब लोग जा रहे हो क्या? अब क्या करें? ओके फॉलो। बेटी तू क्यों खामखा लुच्चा लफंगों के साथ झगड़ा करती रहती है? मैं नहीं करती, वो खुद मुझसे झगड़ा करता है। अच्छा? जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। इडियट कमीना। कमीना? मतलब ममा? हाँ? ये तुम नहीं समझोगी। क्यों? अब देखो, जो अपने आप को बिगड़े आशिक समझते हैं ना, उन्हीं को कमीना कहते हैं। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया ना? ओह आई सी। कमीना हो या शरीफ, लेकिन एक बात, प्यार व्यार की बातें छोड़ो, मैं कुछ नहीं जानती। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना, तेरे माता और पिता दोनों का एक साथ मरने का कारण है तेरी बुआ पार्वती का श्राप। इसलिए मैं कह रही हूँ, तू चाहे किसी भी गरीब लड़के से प्यार कर ले, मजाक कर, मस्ती कर, लेकिन उसमें से कोई भी उस पार्वती का बेटा नहीं होना चाहिए। जानती है क्यों? तेरी माँ मरते वक्त मुझ जैसे साधारण नौकरानी को तुझे सौंप कर चली गई, और यही बात कह गई कि किसी से भी उसकी शादी करवाना, लेकिन पर उस पार्वती की बेटी से शादी मत करवाना। ऐसा कहकर और आपके हाथों से वादा लेकर मेरी माँ मरी थी।
यही कहा था ना माने? बिल्कुल सही, तुझे कैसे पता चला? एलकेजी से लेकर कॉलेज तक ये बात सुन सुन कर मुझे बाय हार्ट हो गया। चाहे तुम इसे भूल जाओ पर मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं चलती हूँ, बाय। मेरी प्यारी बेटी। हेलो गोरखा। hey, रुको रुको। अरे दरवाजा खुल गया। आप कौन हो? धीरे बोलो, एक बात बताओ, सुमति अंदर है क्या? लड़के वाला घर है, मर्दों को अंदर नहीं जाने दिया जाता सर। ए, सब ऐसा सोचेंगे तो अवधि कैसे बढ़ेगी? बुके देना है। बुके भी नहीं दे सकते हो सर। ओ ये बात है, वैसे एक नोट आया है जिसमें लड़कियां खेत में झुककर काम कर रही हैं, तुमने देखा है क्या? नहीं देखी है सर। नहीं देखा है? ये देखो, इसमें लड़कियां झुक के खेत में काम कर रही हैं। हाँ कर रही है। पीछे एक ट्रैक्टर चल रहा है ना? हाँ हाँ चल रहा है। ऊपर डैम में पानी आ रहा है। हाँ पानी आ रहा है सर। एक यही डैम है ना जिसमें बिना रुकावट के पानी आ रहा है? है? ये क्या है सर? अबे बहुत चालाक है तू। ये देखो चाय पत्ती निकाल रहा है। लौटते मैं गांधी जी की तस्वीर वाला बड़ा नोट दूंगा, आप गाड़ी अंदर ले जाओ। जाइए सर। मुझे हो तो नथुलाल जैसी। बहुत स्ट्रांग है सर। ठीक है, घर में सुमति के अलावा कोई बड़ा बुजुर्ग है क्या? एक बुढ़िया है सर, संभल कर जाना। नाम क्या है? धनलक्ष्मी सर। और साहब का नाम? साहब अभी तक शादी नहीं हुई है सर। कुंवारी माँ है क्या? हाँ सर। ठीक है देखता हूँ। ध्यान से सुनो सब, आज सुमति का जन्मदिन है, खाना पीना बनाना शुरू कर दो। वो कब उठेगी पता नहीं, लेकिन जैसे ही उठेगी हम सब जाकर हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, समझ गई? धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, हाय, धन धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी। ए कौन हो तुम? हा? लगता है हिंदी नहीं जानते हो। Who are you? धनलक्ष्मी कहाँ? तुम सब देख क्या रही हो? अपनी आंखें बंद करो। ओ आंखें बंद करने पे दिखेंगे क्या? धनलक्ष्मी मैं हूँ। धनलक्ष्मी? नो। यस। नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट? यू? यस। धनलक्ष्मी? यस यस। यकीन नहीं होता। क्यों? सुमति ने कहा था धनलक्ष्मी बुजुर्ग है। हाँ? लेकिन आप तो बड़ी जवान है। आपकी खूबसूरती के बारे में सुमति ने कहा था, लेकिन आप तो कमाल की है। वाह, वहां मुंह करके शर्मा रही है फिर भी दिख रहा है। सुनिए सच सच बताइए। सॉरी मेरी मुझे लग गई क्या? अरे वाह, आप धनलक्ष्मी नहीं हो सकती, सच कहूँ तो साक्षात लक्ष्मी है। सुमति ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था? बताया था क्या? बताती रहती क्या, है क्या? धनलक्ष्मी 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 कहती रहती थी, तो मैंने कहा कि धन और लक्ष्मी एक सी हैं, तो बार बार क्यों कहती हो? वो बोली ऐसा मत कहो, अगर मेरी सगी माँ होती तो वो भी मुझे इतना प्यार नहीं करती। मैं मंदिर नहीं जानती, भगवान नहीं जानती, अगर मैं किसी को जानती हूँ तो वो है धनलक्ष्मी माँ। अभी वो कहाँ है? सुनो तो, मेरे बारे में वो इतना कुछ कहती रहती है। आपका नाम क्या है? विजय। व्हाट? विजय? व्हाट विजय नहीं, मेरा नाम विजय राज है। मेरी बेटी के साथ हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम वही विजय हो ना? ओ वाह, क्या सुंदर उंगलियां हैं। आप तंबूरा बजाती हैं क्या? देखिए लड़कियां यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ करती रहती हैं। मैंने गुस्सा किया था ये भी बता दिया क्या? वैसे तो अच्छे से रहती है लेकिन कभी कभी गुस्सा हो जाती है। और लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसका जो दिमाग है ना वो बहुत तेज है। हाँ, आपने क्या खिलाकर बड़ा किया है? नहीं वो मत बताइए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसे ये खूबसूरती कहाँ से मिली है। आपसे मिली है? आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहाँ है? सो रही है ना? मैंने कहा था सोने के लिए, आज उसका बर्थडे है, मेरी शक्ल देखकर उठेगी। उसने कहा था जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं उठूंगी नहीं। कहाँ है उसका बेडरूम? यहाँ है, ये सोचकर यहाँ मत आना, उसने कहा था यहाँ आना। क्या उंगलियां हैं आपकी, बड़ी खूबसूरत है। वाह रे वाह, जितना सुंदर है उतना होशियार भी है। डिंग डिंग डिंग। अरे अरे जरा सुन तो, तुम्हारी माँ का नाम कहीं पार्वती तो नहीं है ना? अरे ऐसा नाम कोई थोड़ी रख सकता है। महालक्ष्मी? बाप रे, बाप का नहीं माँ का। समझ गई। अरे जाना कहाँ है? लेफ्ट लेफ्ट। ओ कीप लेफ्ट है ना? लेफ्ट। यहां पर सर होना चाहिए। हाँ है। अरे तो परेशान क्यों होती हो, मैं उठ जाता हूं ना। अरे रे यहां पर हो गया ना? हाँ ठीक है। आ,
मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। स्टूपिड क्या? नो। तो इडियट? तुम मेरे कमरे में आए कैसे? सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये लो तुम्हारा जन्मदिन का बुके। ये कैसा बुके है? बदबू आ रही है। गेंदे का फूल है, गणपति को चढ़ाई जाती है, उनकी इतनी बड़ी नाक है उनको बदबू नहीं आती, तुम्हें क्यों आती है? गेंदे का फूल पूजा में चढ़ाया जाता है क्योंकि इससे अच्छी खुशबू आती है। कमल का फूल सबसे मुलायम होता है और नीम की पत्ती से बीमारियां दूर होती हैं। इन सबको मिलाकर मैंने इतना अच्छा गुलदस्ता बनाया और तुम कह रही हो कि इससे बदबू आती है, ये बकवास है। और गुस्सा होकर तुमने इसे मेरे मुंह पर फेंक दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेवकूफ कहीं के, अपने जन्मदिन में मैं पहले मंदिर जाना चाहती थी, बस अपना थोपड़ा दिखा दिया। जस्ट गेट आउट। जाता हूँ, लेकिन एक बात मैं बताकर जाऊंगा सुमति। जल्दी बोलो क्या बात है। हैप्पी बर्थडे और क्या। सुनो जी, बहुत थक गए होगे, कॉफी पी लो। नहीं नहीं, अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी आराम से आकर। टाटा। मम्मा, आप कुछ भी नहीं समझती। अरे रे, मैं तो भूल ही गई थी, उसे दरवाजे तक छोड़ के आना चाहिए। ये पकड़, मैं अभी आती हूँ। ये कैसा मंदिर है, कब से खड़े हैं? मंदिर में ऐसे खड़े रहना पड़ता है, पूजा होने के बाद ही अंदर जा पाएंगे। वहाँ देखो। यजमानस्य दिव्यगोत्रोद्भवस्य मृगनक्षत्रेः। अरे आशिक हूँ, इच्छा न छोड़ूंगा, गुरूर आज सहारा तेरा न तोड़ूंगा। अरे आशिक हूँ, इच्छा न छोड़ूंगा, गुरूर आज सहारा तेरा न तोड़ूंगा। स्ट्रांग हूँ दिल से मैं, दिल वाला पावर है मुझ में, हूँ मैं भोला भाला। स्ट्रांग हूँ दिल से मैं, दिल वाला पावर है मुझ में, हूँ मैं भोला भाला। अरे आशिक हूँ, पीछा न छोड़ूंगा, गुरूर आज सहारा तेरा न तोड़ूंगा। स्ट्रांग हूँ दिल से मैं, दिल वाला पावर है मुझ में, हूँ मैं भोला भाला। स्ट्रांग हूँ दिल से मैं, दिल वाला पावर है मुझ में, हूँ मैं भोला भाला। स्ट्रांग हूँ दिल से मैं, दिल वाला पावर है मुझ में, हूँ मैं भोला भाला। अरे आशिक है, पीछा न छोड़ेगा, गुरूर आज सारा तेरा ये तोड़ेगा। गुस्से में नक तेरा, ओए 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 ओए, चूहे सा लगता है, ओए 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 ओए। गुस्से में नक तेरा, चूहे सा लगता है, चाल पूरा हाथी के जैसा लगता है। गुस्से में आँख तेरा, मेढक सा लगता है, होठ जैसे तेरा बतख सा लगता है। हर मर्ज की दवा है पास मेरे, कमन टूटेंगे अब तेरे। हर घड़ी तेरी यादों में संग रहूंगा, हर घड़ी साथ ये देगा। जब से मैं तुझे देखा, पागल सा होने लगा, नींदों में तू, ख्वाबों में तू आने लगी है। अरे आशिक है, पीछा न छोड़ेगा, गुरूर आज सारा तेरा ये तोड़ेगा। मुझसा कोई दीवाना, हाँ 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 हाँ, न पाएगी जाना, हे 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 हे। मुझसा कोई दीवाना, न पाएगी जाना, ढूंढ ले तू धरती पे तू जितना। हा, दिन दिन, हा, दिन,
मुझसे कोई दीवाना न पाएगी जाना, ढूंढ ले धरती पे तू जितना। यार तेरी हमेशा मैं करूँगा, दर्द होगा तुझको मैं रोऊंगा। यार तेरी हमेशा मैं करूँगा, दर्द होगा तुझको मैं रोऊंगा। दूर होंगे गम के दिन ये सारा तेरा मैं तोड़ूंगा। अरे आशिक है पीछा न छोड़ेगा, गुरूर आज सारा तेरा ये तोड़ेगा। अरे आशिक हूँ पीछा न छोड़ूंगा, गुरूर आज सारा तेरा न तोड़ूंगा। स्ट्रांग हूँ दिल से मैं दिल वाला, पावर है मुझ में हूँ मैं भोला भाला। स्ट्रांग हूँ दिल से मैं दिल वाला, पावर है मुझ में हूँ मैं भोला भाला। अरे आशिक हूँ पीछा न छोड़ूंगा, गुरूर आज सारा तेरा न तोड़ूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? एक अनजान गांव की लड़का सुमति के आगे पीछे घूमता है, गाना भी गाता है और उसे छेड़ता भी है। गाना गाता है और क्या? एक काम हो सकता है सर, अगर मैडम को पसंद है तो दोनों की शादी करवा सकते हैं। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, मैंने कुछ और सोचा है। अगर हमने उस लड़के को नहीं रोका तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। सुमति, भले ही उसने हमें परेशान किया हो लेकिन उसने गाना बहुत अच्छा गाया था। उसका गाना भी कोई गाना था? मुझे तो पसंद नहीं आया। अगर तुझे इतना ही पसंद आया तो तू जाना उसके पीछे, मेरे पास क्यों बैठी है? अरे यार मार क्यों रहा है? सुन तो, तू भी बाहर निकल। अरे मत मारो, ओ अकल नहीं है तुम्हें। बोल बोल एक बार और बोल। अरे पीछे लात मत मारो यार। अरे क्या कर रहे हैं? दोस्तों से कैसी बात करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए ये भी नहीं पता। क्या बोला था? क्या बोला था? बोल यहाँ पे लात मत मार, मेरे वंश का क्या? चुप हो जा, तू क्यों रुक गया? अरे भगवान, मैडम, उसके बारे में बकवास करते हो और उसी से बचाने के लिए कह रहे हो? आप हमें कुछ भी करके बचा लीजिए मैडम। ए मिस्टर, इन बेचारों को क्यों मार रहे हो? बेचारे? इनकी शक्ल देखो, ये तुम्हें बेचारे लगते हैं? ये क्या पूछ रहे थे पता है तुम्हें? ए क्या पूछ रहे थे, आप पूछ कर दिखाओ। सुमति दीदी बड़ी अच्छी हो, मेरे दोस्त से शादी कर लो, उसे शादी कर लो, उसे शादी कर लो। ची 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 ची, बस करो, बेकार में एक ही बात बार बार दोहरा कर प्यार की बेइज्जती मत करो। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूं। स्क्रिप्ट में कुएं वाली बात तो थी नहीं। चुप हो जा, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है तू कुएं में डुबा कर ही रहेगा मुझे। तुम चुप रहो, तुम्हें पता है इन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? पता है ना उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ना तुमने इसने क्या कहा? इसे गुस्सा आता है तो मुझे क्या होता होगा? ये तो अच्छा है कि ये बात तुमने कही, अगर किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जान ले लेता। लड़कियों खड़े खड़े देख क्या रही हो, चप्पलों से मारो इसे। ठीक है, एक बात बताओ, मैं इस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? कितना घमंड है इस लड़की में, ये कोई लड़की है? और क्या, बिंदी लगाती हो क्या? नहीं। फूलों के बारे में जानती हो? जानती है। साड़ी पहन सकती हो? नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखा, तुम्हें शर्माना आता है? लड़कियां शर्माती हैं, खाना बनाती हैं, उनमें संस्कार होते हैं, एक भी गुण है इनमें से तुम्हें? अरे खैर मेरी बात तो जाने दो, कोई भी तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। मुझे देखकर कहता है तुम लड़की हो क्या? मर्दों की तरह चलती हो, वो भी सड़क चौक गंडे की तरह। उसकी इतनी हिम्मत। इसलिए मैंने तुझसे कहा था ना कि गुड़ियों के जैसे कपड़े मत पहना कर, अच्छे कपड़े पहना कर। अगर तू सलवार कमीज पहन कर जाती तो वो कुछ बोल सकता था क्या? कैसी बातें कर रही हो, तुम भी उसी की तरह बोल रही हो। वो कहता है कि बिंदी लगाओ, साड़ी पहनो और ये सब मुझे नहीं पसंद, और तुम भी उसी के थाप पे नाच रही हो। अंकल देखो ना, ये सब सुनकर आप कैसे चुप रह सकते हो? ये औरतों का मामला है ना, इसीलिए मैं जरा सीरियसली सोच में पड़ा हूँ। एक लफंगा मुझे परेशान कर रहा है और आप इसे औरतों का मामला कहते हैं? परेशान कर रहा है? कौन है वो बताओ, मैं उसका कीमा बना दूंगा। उसी तरह जैसे 1961 में मैंने चीटिंग केस में एक लड़के का कीमा बनाया था और मुझे परमवीर चक्र मिला। अभी वो चक्र कहाँ रखा है आपने? धनलक्ष्मी। आप जरा शांत हो जाइए, आपके चिल्लाने से आपके चक्र की कहानी पर हम लोग भरोसा कर लेंगे क्या? ये तो इन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी मूछें बढ़ाई है। उधर देख तो, मूछें रखने की भी तमीज नहीं है इनमें। धनलक्ष्मी,
वो कौन है और कहाँ है? अगर उसे ढूंढ कर उसका कीमा नहीं बनाया तो मैं नहीं, मेरी मूछें बात करेंगी। पहले खुद बात करना सीख लो, फिर मूछों से बात करवाना। ए, यहाँ पे विजय कौन है? बोलते क्यों नहीं, विजय कौन है? हम विजय तो नहीं, लेकिन ये पर आ जाए है। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, बताइए तो सही आप कौन है? मैं सुमति का मामा जी हूँ, समझ गए? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि उस बच्ची को बार बार परेशान कर रहे हो? उस बच्ची को हम लोगों ने परेशान नहीं किया साहब, उस विजय ने किया था। विजय तू ऊपर ही रहना, नीचे मत आना, नीचे बुलबुल का मच्छर मार रहा है। शट अप क्यों बोला? नहीं उसने बोला, उसने बोला। अरे क्या है इतना शोर क्यों मचा रखा है? विजय ये इतनी बड़ी मूछों वाला तुम्हारी बुलबुल का मामा है। वो क्या है ना, शक्ल से ही पता चल जाता है। नमस्ते, नमस्कार, वंदनम, ब्यूटीफुल कश्मीर की तरह मूछे हैं। अरे कुछ तो बोलो भाई। तो तुम विजय हो? चिल्ला क्यों रहा है? पैर पर लात मार दिया। सॉरी सर। ए, लात इसने मारी और सॉरी तू बोल रहा है? मजाक कर रहा हूँ यार। क्या? अरे जाने दो ना यार, सॉरी सर। ये कोई मजाक है क्या? ऐसे ही बोल दिया सर, जाने दीजिए ना। तो तुम ही विजय हो? हाँ सर। मेरे सारे सवालों का फटाफट जवाब दो। पूछिए सर। तुम्हारे पिताजी का नाम? यस सर, वो उसका नाम अलग है सर, इनिशियल एस की तरह है, पीछे खुजली हो रही है सर। तुमने सुमति को परेशान किया क्या? यस सर। सर ये आवाज उसकी है सर, मेरा जवाब नो है सर। मैं जवाब देता हूँ सर। सर सर इससे आगे इसको मत पूछो सर, बाकी की बात हम बताते हैं सर। पास बता रहा हूँ, कार पर लात मारेंगे। सर आप काली भैया को जानते हैं क्या? ए, मैं काली को नहीं जानता तो उसके भाई को कैसे जानूंगा? कौन है ये काली भैया? ए, तू चुप हो जा, तू नहीं जानता, वही तुम्हारे पिताजी हैं। जानकारी के बिना मेरे पिता कैसे आ गए? सर कोयम्बटूर के मिल के मालिक के काली भैया को आप जानते हैं क्या? जानता हूँ। ये उन्हीं का बेटा है। तो ये काली चरण का बेटा है क्या? सर नहीं सर, छोटा लड़का है सर। ऐसा नाम है इसीलिए बताने में शर्मा रहा है। सर सर नहीं सर, ये संगीत के पीछे बहुत पागल है सर। कोयम्बटूर से इलाया राजा की तरह बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए यहाँ आया है सर। नहीं सर, अपने पिताजी से झगड़ा करके उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगा ये कहकर आया हूँ। उनकी शक्ल अच्छी नहीं है सर। ये किसकी बात कर रहे हैं? कला से प्रेम हो जाए तो कत्ल भी करना चाहिए? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जमीन जायदाद, दोस्त रिश्तेदार, ये सब छूट जाते हैं, ये कह रहा हूँ। ये सब साथ में लेकर आया है। बहुत मजाक करता है मिस्टर विजय। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। सर आपने अच्छी तरह जान लेंगे, बाद में जान लेंगे, बहुत जल्द एक अच्छी खबर लेकर आता हूँ। बाय बाय बाय। चलो मुच्छर चला गया। कमीनो, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। चुप रहो यार, तुम्हारी माँ ने कहा था कि 1000 झूठ बोलकर भी शादी करना है, अभी तक कितने झूठ हुए? 500। आगे के 500 झूठ कैसे बोलेंगे यही सोच रहा हूँ यार। अच्छा ये बताओ क्या नाम बताया था? काली चरण। इस नाम का कोई है तो नहीं ना? है ना, बिल ओनर। अरे अभी जो आए थे वो सिर्फ सुमति के मामा नहीं है, वो एक रिटायर्ड पुलिस आईजी है। अगर कोयम्बटूर जाकर काली के बारे में बात करेंगे तो सब पता चल जाएगा। अब हम लोग क्या करें यही तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम करें। क्या करें? इंटरवल कर देते हैं। कर दो। ये सब क्या है? सब कुछ ऐसा क्या ऐसा ही पड़ा है? ये सब क्या हो रहा है? बटलीज। यस मैडम। क्यूरी ये क्या है? मेरी बेटी ने अब तक नाश्ता क्यों नहीं किया? कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया मैडम। लेकिन क्यों? हमारे सवाल का जवाब भी नहीं दे रही है। आजकल तो वो अपने आप से ही बातें करती रहती है। क्या अपने आप से बातें करती है? आज से 20 साल पहले मैं भी ऐसे ही खुद से बातें करती रहती थी। अगर वो खड़ूस बुढ़िया बिल्ली बनकर मेरे रास्ते में नहीं आती तो मेरा प्यार मुझसे जुदा नहीं होता और आज मेरी जिंदगी खुशियों से भरी होती। बांसुरी बजाने वाले भगवान। मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। तुम लोगों से कह रही हूँ, दोबारा मेरी बेटी को तुम लोगों में से कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसे अपने हिसाब से रहने दो, अपने आप से बात करती है तो करने दो। अगर वो अपने आप से बात कर रही है तो उसका मतलब मैं समझती हूँ। बिंदी लगाती हो? फूलों के बारे में जानती हो? साड़ी पहन सकती हो?
कुछ सूझे ना तुझे है बावरी किसकी सुने रे तू हो सुमति सुमति ये क्या है अरे वाह बाप रे शर्मा रही है अरे रे 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 अपनी जिंदगी में इतने सालों में मैंने पहली बार तुझे शर्माते हुए देखा है मैंने साड़ी भी पहन ली और साड़ी पहनते ही शर्माना भी आ गया तुझे अरे दे शर्मा रही है अरे खुशी के मारे मैं कहीं मर ना जाऊं क्या करूं मैं तेरी नजर उतार लेती हूं मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे आइए आइए नमस्ते जी आ? मेरा नाम नारायण है मैं रिटायर्ड अरे रे 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 मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ अपने जमाने के चुलबुल पांडे थे केस झट से सॉल्व कर देते थे बैठ कर बात करते थैंक यू कहिए कैसे आना हुआ वो मैं विजय के बारे में सर आपको कोई और बात करनी है तो करिए मुझे उस लड़के के बारे में कोई बात नहीं करनी क्यों नाराज होते हैं चाहे कुछ भी हो वो है तो आपका बेटा ही नहीं है और नहीं तो क्या सर मेरे कुल मिला के तीन बेटे हैं एक अमेरिका में रहकर बिजनेस देखता है हाँ? और दूसरा दुबई में काम देखता है हाँ? यहाँ पर मिल को संभालने के लिए जब मैंने विजय को कहा तो बोला कि मुझे संगीत सीखना और ये कह के मद्रास चला गया सर चला जा बोलकर मैंने ही घर से निकाल दिया ये बात है सर इसमें आप नाराज क्यों हो रहे हैं संगीत बहुत अच्छी चीज होती है अच्छी चीज है आप क्यों उसे सपोर्ट कर रहे हो संगीत पसंद करने वाले क्या सारे विद्वान बन सकते हैं उसे समझा बुझाकर जरा घर भेज दीजिए सर ठीक है मैं चलता हूँ सर आपके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई लगता है मेरे बेटे के बारे में जानकर खुश होने वाला सिर्फ एक यही आदमी मौजूद है वाह 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 वा, कैसे बच्चे हैं आज के जमाने में नमस्ते करते हुए आ रहे हैं क्यों इलेक्शन में खड़ा होना है क्या साहब भगवान की तरह साथ देकर मेरे प्यार को डूबने से बचा लिया शुक्रिया थैंक यू सर क्यों भाई पांचों एक साथ शुक्रिया क्यों कह रहे हो सिर्फ तुम्हें ही कहना चाहिए था ना क्यों लड़की का नाम पांचाली है क्या जी नहीं सुमति है देखा तुमने तुम्हारे कारण सुमति का नाम खराब हो रहा है अच्छा नाम है ना साहब हमने आपको बहुत तकलीफ दी है देखो अगर तकलीफ लेकर कोई मेरे पास आता है तो उसकी तकलीफ को दूर करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ फिर भी इतने बड़े आदमी को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया तो सेठ जी से साबुन क्यों मांग रहे ये 501वें झूठ के बारे में बात कर रहा है सेठ जी 500 झूठ तो हम लोग बोल चुके हैं 501वां झूठ बोलने के लिए आपको मजबूर किया इसके लिए अफसोस है कॉफी मांगो अभी चुप रहना कुछ नहीं है मजाक कर रहा है हम लोग चलते हैं अरे मांगो मिली तो पी लेंगे नमस्ते ठीक है ए साड़ी पहनकर टीका लगाकर तू अचानक कैसे बदल गई हमेशा मस्ती में रहने वाली तुझे विजय इस तरह से बदल देगा हमने कभी सोचा भी नहीं था कौन कौन और कोई नहीं आंटी
वो तो विजय है जो सुमति के जन्मदिन पर बुके लेकर आया था, वही ना जिसने मेरी उंगली पर डिंग 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 ऐसा किया था, वही है ना? जीती रे मेरी बेटी, तेरे दिल में जगह बनाने वाला और कोई नहीं विजय है, ये बात तूने मुझे बताई नहीं ना, जा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। आप टेंशन में क्यों सर? सुमति से शादी करने के लिए बहुत दिनों से अच्छा आदमी बनने का नाटक कर रहा था। मैंने प्लान बनाया था कि धनलक्ष्मी और उसके मामा को बेवकूफ बना दूंगा, पर सुमति को अपने जाल में नहीं फंसा पाया। अब वो किसी विजय से प्यार करने लगी है। अगर आप कहो तो उसे खत्म कर दूं सर। जल्दबाजी मत करो, वो लड़का कोयंबटूर के करोड़पति का बेटा है, बहुत सावधानी से डील करनी होगी। मुझे तो शुरू से ही डाउट था, अगर किसी लड़की को बार बार तंग करोगे तो वो क्या तुमसे प्यार करेगी? पूछता हूँ तो कहता है ऐसे ही होता है। What I am telling you? पालकी तो यार बार बार मारते क्यों? छोड़ दूँगा। Go man, it is too much. ए विजय, इस समंदर की लहरों को ऐसे देखने से क्या फायदा? क्यों नहीं गांव जाकर अपना कामकाज फिर से संभाल लेता? ए, इस समंदर की लहरें कम हो सकती हैं, लेकिन मेरा हौसला कम नहीं हो सकता। वो बंदर लकड़ी लेकर बैठा है ना, उसी को जाकर देते हैं। आओ, आओ, तुम लोग यहाँ हो गए, मैं अच्छी तरह से जानता था। हाँ ठीक है, इस शादी में तुम जरूर आना, ये लो कार्ड। जरूर आऊंगा। सिर्फ आप लोग ही शादी में बाजा बजाओगे? जरूर बजाएंगे। ये बताओ तुम चारों साथ में शादी करी हो क्या? अरे हम में से किसी की नहीं, शादी सुमति की है। हा? साथ में विजय को भी जरूर लाना। ए चिरकुट, ये देख। ए मनोहर, ये देख। ए विजय, ये देख। अरे सुमति, विजय आई, आई की तरफ एरो करके यू लिखा है, मतलब आई लव यू। गिरानी है
तेरी मेरी जोड़ी जैसे हिट कहानी है, फुल फ्लेज लाइफ है अपनी, ना कोई है टेंशन, ओनली इसमें मस्ती लव है, किसको करना है मेंशन, मैं राजा हूँ इश्क का, तू हुस्न की रानी है, तेरी मेरी जोड़ी जैसे हिट कहानी है। अरे भाई नारायण, अपनी बहन की लड़की के साथ मेरी बेटी की शादी करवाने का कोई रास्ता निकालो ना। मेरे पास भी करोड़ों की जायदाद है, इकलौता लड़का है, बस उसको सिर्फ एक ही गंदी आदत है, दारू पीने का शौक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इस बात का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोयम्बटूर के मिल ओनर कालीचरण के छोटे बेटे से सुमति की शादी पक्की हो गई है। किस कालीचरण की बात कर रहे हो? वो एस के मिल के मालिक कालीचरण। एस के मिल के कालीचरण के सिर्फ दो ही बेटे हैं भाई, और उन दोनों की शादी हो चुकी है। अरे मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ। तीसरा लड़का? उसका तीसरा लड़का कहाँ से आ गया? लगता है किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, और तुम बेवकूफ बन भी गए। कालीचरण के तीन बेटे हैं, अगर बाहर जाकर किसी से ये बात कहोगे तो लोग तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। मामा जी। गुड मॉर्निंग सर। हमें मालूम है आप यहाँ शादी की बात करने आए हैं सर। विजय, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आइए बैठिए सर। नो, मैं बैठने नहीं आया। मिस्टर विजय, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम? सर मैं कालीचरण का बेटा नहीं हूँ। तो फिर किसके हो? रामपुर गांव का हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, पार्वती नाम है माँ का। मैं कैसे भरोसा करूँ? वो आपकी मर्जी। विजय, सुमति बिन माँ बाप की बेटी है, करोड़ों की जायदाद की मालकिन, ये सब जानकर तुमने उसे अपने जाल में फंसाया है। नहीं, मैं सुमति से सच में प्यार करता हूँ, मैंने उसे सच में पाना चाहा, उसके लिए मैंने थोड़ा झूठ बोला है, लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। नहीं, तुम धोखेबाज और झूठे इंसान हो। सुमति को जाल में फंसा लिया, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। तुम इसी वक्त यह शहर छोड़कर चले जाओ और दोबारा सुमति से नहीं मिलना। मुझ पे हुक्म चलाने वाले आप कौन होते हैं सर? अगर आपको हुक्म चलाना है तो सुमति पर चलाइए। मैं सुमति से प्यार करता हूँ और उससे शादी करके उसे गाँव ले जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होगा, और मैं होने भी नहीं दूंगा। होगा, जरूर होगा। चैलेंज कर रहे हो? आज से तुम मेरा असली रूप देखोगे। चलता हूँ। अंकल, मैं ये बात जानती हूँ, वो कोयम्बटूर का नहीं है ये भी जानती हूँ, वो पैसे वाला नहीं है ये भी जानती हूँ, उसने पहले ही बता दिया था, और वो रामपुर के पास एक छोटे से गांव में रहता है, और उसकी माँ का नाम है लक्ष्मी। वो पार्वती का बेटा नहीं है ये बात मुझे पहले से पता थी, और अंकल इसलिए मैं उसे सच्चा प्यार करने लग गई। सच्चे प्यार के लिए थोड़ा झूठ बोलना तो चलता है ना? अगर वो प्यार सच्चा हो तो
तुम एक करोड़पति लड़की हो, सारी जायदाद की अकेली मालकिन। उसने ये सब पाने के लिए तुमसे प्यार का नाटक किया है, नाटक। जब काम पर थे तब तुम्हारा दिमाग तो काम नहीं करता था, रिटायरमेंट के बाद वो काम करने लगा। धनलक्ष्मी, मैंने तो दिल की बात कह दी। तुम्हें कुछ नहीं पता इस सुमति को कौन बेवकूफ बनाता है, आज से मैं देख लूंगा। अंकल, ए, इंग्लिश में नाम के आगे लेट लिखने का मतलब होता है कि आदमी मर गया। I see, confusion language. अभी भी सुधर जा, अंग्रेजी की टांग मत तोड़। कविता थी क्या? सुब्रमण्यम नाम के एक इंग्लिश कवि ने लिखी थी। वो अपना सुब्बू, अच्छा। एक दूंगा ना। What language? अरे यार हिंदी में लिखा है, तुम खुद ही पढ़ लो ना। नहीं आएगी सुमति, नहीं होगी शांति, अब आएंगे हम, मारेंगे लात, ढिशुम ढिशुम। दोस्त गुंडे आएंगे, गुंडे। नहीं आएगी सुमति, नहीं होगी शांति, अब आएंगे हम, मारेंगे लात, गुंडे कविता लिखते हैं। आओ भाई तुम्हें मैं कविता सुनाता हूँ। ए उठ रे, लेके लड़ेगा डंडा तो गाल दूंगा झंडा, और खाएगा जब डंडा तो फूट जाएगा अंडा। आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। That's it. अरे बापरे, तुम्हें डंडा चलाना आता है? नहीं, मैं ऐसे कामों में माहिर हूँ, एक्शन में बॉम्ब हूँ, और मेरा नाम है विजय। किसने भेजा है? बता किसने भेजा है? भाई जी ने। लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है बे? पता नहीं क्यों भाई। अब ठीक है? ठीक है भाई। कविता लिखकर किसने तुम लोगों को मुझे मारने भेजा? आई जी ने। हाँ। बड़ी बड़ी मूंछों के बीच में जिसकी थोड़ी सी शक्ल दिखती है। हाँ, हाँ, वही वही। हाँ। पैसा दिया था क्या? हाँ दिया था भाई। उसने जितना पैसा दिया था मैं उससे डबल देता हूँ, मैं जो कहूंगा वो जाकर उससे कह देना। ठीक है भाई। ए, मैंने जो कहा वो भूलना मत, क्या समझे? विजय, अरे रे रे रे, भाग गए ना साहब। कैसे दोस्तों तुम? मैं यहाँ सो रहा था, मुझे उठाते तो सही। अगर ये होटल होता तो तुम्हें बिल भरना पड़ता, फिल्म होती तो टिकट लेनी पड़ती। मान लो कल को अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे क्या? अरे बापरे, अरे बापरे, मेरा हाथ फिर से फंस गया भाई, इसे निकाल दो जरा। घर चलो, रिबन मांग के इस पे फूल लगा दे। भाई 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 सुनो तो भाई। अरे कोई मेरी मदद करो साहब, मेरी मदद करो, मदद कर दो ना यार।
करो ना भाई, करो कर। खुद को दानवीर समझते हो क्या? दानवीर कर्ण कर्ण होके 50 पैसे देता है, सबसे बड़ा भिखारी तू है। साजी, साजी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये लोग कौन है अंकल? ये मजदूर लोग हैं, यहाँ से जाओ ऑफिस पे आकर मिला। आपका ऑफिस कहाँ है? तुम भी ना धर लक्ष्मी, मेरा घर ही मेरा ऑफिस है। जाओ जाओ जाओ। उस विजय को मारने के लिए आपने हमें पैसे दिए थे ना, लेकिन विजय ने बगैर पैसे ही हमें मार दिया। विजय को मारने के लिए पैसे दिए थे अंकल? आपने विजय के साथ क्या किया बताइए? साथ ही विजय को हम लोगों ने मारा, लेकिन उसने हमें ज्यादा मारा, उसके हमने हाथ पैर भी तोड़ दिए। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। अगर कोई पुलिस केस हुआ तो आप ही हमें बचा सकते हैं साहब, हमें बचा लीजिए साहब। अगर मेरे विजय को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखिएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? कोई आगे से शर्माता है तो उसे पीछे से दिखता है, ऐसा सच बोलने वाले को तुमने क्यों पिटवाया? अरे रे, मेरा तो सर ही घूमने लगा है। क्यों मैं मुझे ऐसा गलत काम करने के लिए तुझे चक्र मिला था क्या? पुलिस की नौकरी में ऐसे ही काम करते थे? शुरू शुरू। हाँ चलो। आज भी तुम पे मैडम। यस मिस्टर विजय किस वार्ड में एडमिट है? लगता है वो मरीज अब तक चल बसा होगा, फिर भी आप इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखिए। भाई व्हाट विजय, विजय व्हाट विजय, बच गया भाई, तेरी इंग्लिश की वजह से बच गया। पहाड़ पर रहने वाले भगवान कार्तिकेय भगवान, ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे विजय को हर बाल हर तकलीफ से दूर रखो। अगर विजय ही नहीं बचाते हो हम लोग विजय का क्या करेंगे? प्यार व्यार कुछ नहीं होता, उस लड़की की वजह से हमारा विजय मर जाएगा, विजय बचेगा या नहीं? ऐसा डाउट है, उसकी हड्डियों को नट बोल से ज्वाइंट कर रहे हैं। आखिर उस लड़की ने अपना बदला ले लिया। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे नहीं पता था और मेरे मामा ने ये सब किया। हाँ, अगर पता होता तो विजय को मरवा देती ना। मेरी बात सुनो, मैं उससे मिलने आई हूँ, वो कहाँ है बताओ ना। हाथ पैर निकाल कर दोनों को अलग अलग करके इस तरफ ले गए हैं। आखिर में हाथ ले गए थे या पैर ले गए थे भाई? हे भगवान बताओ ना वो अभी कहाँ है? साइलेंट। ऊंची आवाज भी इसे नुकसान पहुंचा सकती है। अलग अलग हुए हाथ पैर को बोरे में भर कर लाए थे, उन सभी को जोड़कर इसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसका कान कहीं खो गया था, उसे ढूंढने के लिए मैंने आदमी भेजा है। नहीं विजय, 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 विजय। हाथ हटाओ। क्यों मैडम, तुम कुंवारी लड़की हो या आग की भट्टी हो? तुम्हारे वहां छूते ही ये खून गर्म होने लगा, ये बताओ आखिर तुम हो कौन? मैं विजय की गर्लफ्रेंड हूँ। इसीलिए खून गर्म होने लगा क्या? ये जिंदा है या मर गया मैं अभी चेक करके तुम्हें बताता हूँ। नर्स, सब जीरो सॉल्यूशन। तुमने देखा ना, इस तरह से हमें चेक करके बताना पड़ता है कि इंसान जिंदा है या मर गया। नर्स, एक और खास बात, अगर इसकी बिगड़ी हुई शक्ल को फिर से पहले की तरह बनानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? अमेरिका से एक कार्डियोलॉजी मशीन खरीद कर यहाँ मंगानी पड़ेगी। डॉक्टर पैसे की चिंता मत करना, आप उसे जल्दी से मंगवा लीजिए। कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, दोगी क्या? हाँ दे दूंगी। सर आप सो जाइए। वो कुछ नहीं है, खून गर्म हो रहा है, उसके हाथ में कुछ वजन लटका देंगे ठीक हो जाएगा। इसको बचाने के लिए जितने भी पैसों की जरूरत हो मैं देने को तैयार हूँ। कहाँ ना सो जाइए। अब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अगर उसे बचाना है तो मशीन लानी ही पड़ेगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। विजय आओ ना। मैं आती हूँ। अबे बदमाश,
इस तरह लोगों से पैसे लूटता है? जिसके पास पैसे हो उसी को लूटेंगे ना सर। ये पार्टी मिल गई है तो खून चूस लेंगे। मेरा 6 महीने का पगार बाकी है। आप फंस गए हैं, आप मेरे लिए ही आए हैं। सर लगता है वो आ गए। आ रहे हैं तो तुम जाओ ना, मुझे क्यों पका रही हो? सर वो आपकी लवर है। अरे अरे ढक दो ढक दो। अरे बाबा चेहरा ढको चेहरा। अरे तुझे नर्स किसने बनाया? मेरा चेहरा ढको। करेक्ट 5 लाख लिया आंटी। पैसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल बुलाया मैडम। शिवलाल चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए परवाह नहीं। उस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। उस मुच्छर के वजह से ही उस विजय की जान खतरे में पड़ गई। मुझे लगता है कि उसने ये सोचकर मारा होगा कि कहीं वो पार्वती का बेटा तो नहीं। आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। डॉक्टर मैं इससे बात कर सकती हूँ क्या? कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाना। डाउन डाउन। डॉक्टर विजय की उंगलियां पंपसेट की तरह लग रही है। क्या है? तुम चुप रहो, इलाज करो। वो सिर्फ 1-2 शब्द बोलेगा, तुम कोशिश करो। विजय अनजाने में मेरे मामा से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो विजय। अब तो कुछ बोलो विजय। एक और बोलो। दो। विजय तुम क्या चाहते हो बोलो। एक। डॉक्टर ये 1-2 से ज्यादा बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था बेटी, इसे पौष्टिक चीजें खिलानी पड़ेंगी। हाँ, इसकी शरीर में सिर्फ 3 छेद हैं। कहाँ से पौष्टिक खाना डालेंगे? ऊपर से ये बार बार अंदर बाहर हो रहा है। बहन जी ये 1-2 बोलने में इतना वक्त ले रहा है तो 3 बोलने में सर के बाल पक जाएंगे हमारे। हम चलते हैं भाई, चलो चलो। विजय। Yes, come in. कल मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बना कर लाऊंगी, ठीक है? नॉटी बॉय। कहाँ जा रही हो? माजी माजी तू मद्रास से कब आया? अभी आया हूँ, विजय के हाथ पैर टूट गए हैं, वो अस्पताल में है। मैं जा रहा हूँ। छोड़ मुझे, रुक तो, छोड़ो मुझे यार। मैं नहीं आऊंगा, अस्पताल का खाना खा के मेरा हाजमा खराब हो जाएगा। अरे इससे अच्छा तो राम सिंह खाना बनाता है। ए नर्स बहन जी, क्या बात है, खाना खाती है? मुंह से खाते हैं। माजी 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 मैं अच्छा खाना खाए 4 दिन हो गए हैं। ए चुप, ये विजय की माँ है यार। बेटे तुम मनोहर हो। हाँ माजी। अच्छी है क्या? नहीं बेटा, मेरा बेटा कैसा है? यही पर दफन किया। क्या? हे भगवान, मेरा बेटा। माजी मेरा बेटा। माजी चलिए, यही रखा है, यही पर दफन किया। विजय तू थैली ले ले। माजी रुके। विजय अरे मेरे बेटे, मेरे बेटे को क्या हो गया? विजय विजय अरे मेरा बेटा कहाँ है? कौन कौन चला रहा है? मेरा बेटा कहाँ है बताओ। विजय तुझे कुछ नहीं हुआ ना बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। ये बताना यार। मुझे कुछ नहीं हुआ, 1 नंबर गया है। आने में देर होगी ये कहा, लेकिन माँ जी घबरा कर इसे तुम्हारा सिर समझने लगी। अरे दूर रख इसे। विजय तुझे क्या हो गया था बेटा? कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ पैर तोड़े थे, ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। माँ जी हम लोग भी घबरा गए थे। हम घबरा गए थे। मुझे कुछ नहीं हुआ है माया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आओ तुम बैठो। चुप कर। अरे ये नकली पैर है, तुम बैठो माँ बैठो। घबराओ मत माँ, तुम बीमार हो जाओगी। और तुम्ही ने कहा था ना 1000 झूठ बोलकर भी सुमति के साथ शादी करनी है। 500 झूठ बोल दिए हैं और प्यार का रंग चढ़ भी गया है। बाकी के लिए ये सारा सेटअप बिठाया है। तो सुमति से मिला था क्या? वो कैसी है? अच्छी नहीं दिखती। हाँ वो नहीं। ए चुप रहो माँ, वो अच्छी दिखती है। क्या? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। तुम देख सकती हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तुम उससे मिलोगी तो सारी कहानी उल्टी हो जाएगी माँ, फिर दोनों परिवारों को जोड़ने का सपना अधूरा रह जाएगा ना। हाँ, तो मैं नहीं मिलूंगी। ए मनोहर माँ को आराम करना है, तू इन्हें घर ले जा। क्यों भैया मुच्छर, तुम्हें ऐसा काम करना शोभा देता है क्या? तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी अस्पताल से घर के चक्कर लगाती रहती है, और तुम एक बार भी उससे मिलने के लिए गए क्या? सॉरी धनलक्ष्मी, गलती हो गई। गुंडों को पैसे देकर उसे मारने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। मैंने डॉक्टर को पैसे दे दिए हैं और उसे बोल दिया है उसका अच्छे से इलाज करे और उसे चलने फिरने के लायक बना दे। अगर वो लड़का चल नहीं पाया ना तो तुम जिंदगी भर नहीं चल पाओगे। अपने आप को पुलिस ऑफिसर कहते हैं मुच्छर कहीं का। ए, क्या कचकच कर रहा है? घास काटने जा रहे हो क्या? पूरा काटने जा रहा हूँ। सुनो बेटी, अगर तुम्हें इससे कुछ बातें करनी हो तो आखिरी बार कर लो। सुनो डॉक्टर, इस लड़की को कल फांसी होने वाली है क्या? ए, लड़की प्यार के 2 शब्द बोलना चाहती है, तुम लोग बीच में उंगली क्यों किए जा रहे हो? बोलने दो उसे, तुम बोलो। बोलो तुम। सेट अच्छा है विजय। आई लव यू। ये क्या,
इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकती थी क्या? और क्या, राशन की दुकान और चावल दाल की बात करेंगे क्या? लवर्स यही बात करेंगे ना? इससे पहले घोड़े के बाल काटते थे क्या? मैंने सही पकड़ा। विजय, जब मैं तुम्हारा पहले वाला चेहरा देखूंगी तब मुझे खुशी मिलेगी। वो तो चेहरा देखने के बाद ही पता चलेगा कि तुम कितनी खुश हो और कितनी दुखी, ये हम समझ जाएंगे। In my medical experience, बहुतों का कत्ल किया क्या? Silence! सुनो, तुम क्या सचमुच मुझसे प्यार करती हो? ये बदमाश लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि आंखें नहीं है, नाक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आगे चलकर मेरा चेहरा कैसा होगा। मैं कैसा भी दिखूं, तुम मुझसे प्यार करोगी ना? कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? मेरे लिए आंख, कान, नाक मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम मिल गए हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखा तुमने, यंग लवर्स, सिर्फ प्यार मिल जाए यही काफी है। मिल भी सकता है। मिल भी सकता है। मिल सकता है, जरूर मिलेगा। अपने कुल देवता से प्रार्थना कर लो। सही कहा, तुम भी अपने कुल देवता से प्रार्थना करो। वो क्यों? अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बिना एनेस्थीसिया दिए हुए तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। थोड़ा दूर खड़ी रहो। डॉक्टर संभाल कर। सिर की तरफ से शुरू करता हूँ। हाथ क्यों हिल रहा है? दारू पीने की आदत है क्या? मुंह बंद करो, काम करने दो। चुपचाप खड़े क्यों हो? हाथ पकड़ो मेरा। ये भी करना पड़ेगा। काटो, काटो, काटो। बस बस यहीं पे रुक जाओ। अब चलो जंप करो। काटो, काटो। हाँ बस बस, बाकी काम खींच लेंगे। देखो पूरी शक्ल है क्या? हेलो, ये क्या कोई टेलीफोन है जो मुंह में सिक्का डाल के बात करेगा? मुझे सबसे पहले सुमति का चेहरा देखना है। सुमति कहाँ है? सुमति कहाँ है? मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। किधर जा रहे हो? चल इधर। इस दिल की धड़कन को चुराया तूने हौले हौले, चाहत का चिराग इस दिल में जगाया तूने हौले हौले। अब तो दूर ना जा पास मेरे, तू बता होता ये क्या मेरे साथ, तू ये बता जा। आजा अब हम साथ मिलके सपने कल के आज मिटा ले, दरमियां दूरियां ना सांसों की आज मिटा ले।
प्यार करे हम यूं टूट के। तेरी मेरी दुनिया पे सपने सजाए रंगे। इस दिल की धड़कन को चुराया तूने हौले हौले। अब तो दूर ना जा पास मेरे तू बता होता ये क्या। धीरे धीरे एक हो जाए हम। चाहत का चिराग इस दिल में जगाया तूने हौले हौले। तू मुझे सुमति से कब मिलवाएगा बेटा? हे विजय, क्या कर रहा है यार? माँ तुझसे कुछ पूछ रही है, सुना नहीं दे रहा है क्या? सुनाई क्यों नहीं देगा यार, अच्छी तरह सुन रहा हूँ। माँ सुमति से मिलना चाहती है, पर थोड़ा इंतजार तो करो, अभी अभी तो प्यार हुआ है। क्यों भाई, तो क्या हुआ? अरे क्या कर रहा है मुझे? माँ तुमने प्यार करने के लिए कहा, लेकिन अब शादी होने तक इंतजार करना पड़ेगा ना। तुम ही कहती हो ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है बेटा। ठीक है तो अभी इंतजार करो, बाद में मिल लेना। ये क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? माँ नाराज हो जाएगी ना। क्यों माँ? भाई भाई, शहर से कोई आया भाई। नमस्ते। ये क्या है, बिना कंट्रोल के सिर हिल रहा है? हाँ इधर आओ। अरे रे रे रे, डरो मत, इस गांव में कोई विजय है। विजय विजय। अच्छा वो क्या? हाँ। मेरा दोस्त है, पढ़कर ग्रेजुएट हो गया है। मैंने नहीं पढ़ा तो पंडित बन गया हूँ। काम क्या है, कोई पूजा करवानी है क्या? नहीं नहीं, मैं विजय से मिलना चाहता हूँ। उससे नहीं मिल सकते? क्यों? वो शहर में प्यार करने गया है, उसकी माँ पार्वती भी उसके साथ गई है। विजय की माँ का नाम पार्वती है? और नहीं तो क्या। सारा साथी देखो, ये मुंडे हिलाने वाला पंडित बहुत खतरनाक है, मुझसे तो पूछ लिया, किसी और से मत पूछना, बहुत डंडे पड़ेंगे। कहां से आ जाते हैं, निकलो यहां से। तू क्यों सर हिला रहा, चल। अगले इतवार को हम दोनों की मंगनी होने वाली है। मंगनी में आते वक्त वन मैन ऑर्केस्ट्रा बनकर आना। जिस गाने की वजह से तुमसे प्यार हुआ वही गाना तुम फिर से गाना। मैं चलती हूँ। ए, सुना तुम लोगों ने, मंगनी में तुम लोग नहीं जाओगे, मैं वहां अकेला जाऊंगा, समझे? क्यों भाई, प्यार करने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत थी, अब प्यार होने के बाद हमारी जरूरत नहीं रही। नो टेंशन मैन। बस उसकी शादी हो जाए, सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। आइए नमस्ते। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, एक खास बात करनी है। आप जो समझ रहे हैं वो विजय नहीं है, वो पार्वती का बेटा है। मैंने खुद गांव में जाकर पूछताछ की है। सुमति से शादी के लिए गांव से पार्वती और विजय यहाँ आए हैं। मैडम 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 मैडम, 500 रुपए के नोट में गांधी जी की फोटो है, वो लोग आ गए मैडम। ए धीरे चलो धीरे चलो। ए सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जहां पर होने चाहिए वहीं है ना। ओ हाय सुमति। वहीं रुको, मेरी कसम खाकर कहो तुम्हारी माँ का नाम क्या है, बोलो।
पार्वती। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सुमति को धोखा दिया? मैं पहले ही बोलता था कि ये धोखेबाज है। सर आप शांत रहिए, मुझसे जो पूछना है सुमति पूछेगी। बस करो, तुमसे अब और कुछ नहीं पूछना। तुमने मुझसे बहुत बड़ा सच छुपाया है। मेरी जायदाद को पाने के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। सुमति मैंने ये सब... तुमने अपना बदला लेने के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक किया था। सुमति मेरी बात तो सुन। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने मुझसे जो दोस्ती की वो झूठ था। मुझसे जो कुछ भी कहा सब झूठ था, सब झूठ। तुम्हारा प्यार भी झूठ था, तुम्हारी संगीत भी झूठी है। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम तक नहीं लेना। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे। I hate you. Get out and get lost. Get out, you bloody cheat. सोचा नहीं है क्या है गलत और सही, क्या जाना नहीं मैं। तेरी धुन में हम हर पल जीते थे, मन ही मन खुश हो के फिरा करते थे। कैसे भूलू मैं बीते लम्हों को, संग में जिया एक पल को। यूं न सजा दो कसूर, हम लो मुझे गम में हुचूर। आरज़ू है ये मेरी, उम्र तुझको लग जाए। भूल से भी कभी भी मेरी याद न आए। मेरी खुदा से बस यही दुआ, खुश रहे तू जहाँ है। तुम ही बताओ कि क्या साज छेड़ूं मैं, जो मन को भाएगा वो ही धुन गाऊं मैं। तुम ही बताओ कि क्या साज छेड़ूं मैं, जो मन को भाएगा वो ही धुन गाऊं मैं। माँ ये क्या है? माँ तुम अचानक जा क्यों रही हो? मेरे बेटे की बेइज्जती करती, अब वो मुझे नहीं चाहिए। तुम अभी मेरे साथ चलो। ये क्या माँ, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आया। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मेरे दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं। माँ अब उसने मेरी बेइज्जती की, इस बात का दुख नहीं है मुझे, लेकिन मेरा प्यार झूठा है ये बात मुझे सहन नहीं हो रही है। उसकी सोच को गलत साबित करने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। क्यों भाई नारायण, सुमति इंडस्ट्रीज का जनरल मैनेजर शिवमणि कैसा आदमी है? क्या कहूँ भाई, बहुत अच्छा लड़का है। ऑफिस से एक पिन भी बाहर नहीं जाने देता। मैं उसकी सुमति के साथ शादी करवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अचानक तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, मुन्नार में मेरी बहन के टी स्टेट का उसने 40 लाख में सौदा किया है भाई। इतनी कम पगार वाले के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, यही सोचकर तुमसे पूछा था। अरे भाई कैशियर, तुम कहाँ जा रहे हो? सैलरी के पैसे निकालने बैंक जा रहे हैं सर। ओ, संभल के जाना। जाओ जाओ। सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। अरे इतने पैसे कहाँ से आए? पगार के पैसे हैं सर, नए नए नोट हैं, हमारी कंपनी से मिले हैं सर। पगार के पैसे? लेकिन कैशियर तो अभी अभी नए नोट है ना? हाँ। कितने हैं? 1,000 रुपए। ये नए नोट मुझे चाहिए।
इसके बदले ये सारे नोट तुम रख लो। ठीक है सर। सर आप यहां क्यों आए सर? शिवलाल मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता था लेकिन तुम तो बहुत कम ही नहीं निकले। ये गलत काम कब से चल रहा है यहां पे? सिर्फ 2 सालों से सर। लाइफ को सेटल करने के लिए सर रात दिन 24 घंटे मेहनत करता हूं मैं। धोखेबाज कहीं के, तू जेल में सेटल होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं, तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं सर, लेकिन आपको जहां नहीं आना चाहिए था वहां आ गए। जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया, इसलिए आपको जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हो। बॉयज बॉडी का जैसा मैं कहूं वैसा करो। क्या कहा? आईजी का कत्ल कर दिया? इंस्पेक्टर ये क्या कह रहे हैं? उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। किसने ऐसा किया? किसने उनका कत्ल किया? उनकी डेड बॉडी के पास एक टूटा हुआ इलेक्ट्रिक गिटार मिला है। अभी तक हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आपसे पूछताछ करने आए हैं। इलेक्ट्रिक गिटार मिली है? हो सकता है उस म्यूजिक पार्टी में से किसी ने कत्ल किया हो। इंस्पेक्टर साहब, विजय नाम का आदमी मैडम को अक्सर परेशान करने के लिए गाना गाया करता था। उसको समझाने के लिए आईजी साहब ने कुछ लोगों से उसकी पिटाई करवाई थी। हो सकता है बदला लेने के लिए उसने खून किया हो। विजय, ये कत्ल करके और वो भी पुलिस ऑफिसर का कत्ल करके, वो चाहे कहीं भी छुप जाए हमसे नहीं बच सकता। रिटायर्ड पुलिस आईजी नारायण का कत्ल हो गया है, पुलिस कातिल की तलाश कर रही है। लाश के पास टूटा हुआ गिटार पाया गया है। किसने मारा होगा उसे? क्या कारण रहा होगा? उसकी मूछें। इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखकर शहर में घूमेगा तो किसी को भी जलन होगी ना। किसी ने मार दिया होगा। लिखा है लाश के पास गिटार मिला है, यहाँ पर डाउट है। तुम गिटार लेके उसके घर पर बजाने के लिए जाते थे, ठाकुर तो गए। विजय विजय विजय, पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए आ रही है। लाश के पास जो गिटार मिला वो तुम्हारा भाई। अब क्या होगा? हे भगवान, विजय अब क्या होगा? विजय, पुलिस इधर से आ रही है, तुम यहाँ से निकल जाओ। हे भगवान, विजय माँ। अरे माँ जी, इस वक्त क्यों रो रही है? आप खुद ही रोके इसे फंसा दीजिएगा। मदर इंडिया के बाद आप दूसरी माँ होंगी जो फंसाएगी बेटे को। चलो अरे माँ जी, आपको रोना है तो मुझसे लिपट के रोइए। विजय यहाँ नहीं मिला तो क्या करेंगे सर? अगर विजय यहाँ नहीं मिला तो यू आर ऑल अंडर अरेस्ट। विजय ही इस कत्ल का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो। सिर्फ इतना ही नहीं, उस विजय का साथ देने वालों से भी अच्छी तरह पूछताछ करो। तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इन लोगों से सच उगलवाना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, अंडरस्टैंड? यस सर। मैं चलता हूं। सुन लिया ना, चुपचाप सच बता दो। खाप हमारा वक्त बर्बाद कर रहे सर। प्यार के लिए मदद की थी, प्लीज। प्यार नहीं तो दुनिया नहीं, जनरेशन नहीं, और बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। आपकी तबियत खराब होने वाली है। क्या आप ही डॉक्टर श्रीनिवास हैं? यस। लेकिन आपको कोई डाउट है क्या? विजय के साथ मिलकर धोखा करने के जुर्म में हम आपको अरेस्ट करते हैं। सर, पुलिस स्टेशन जाने पर मेरी पेस्टिस खराब हो जाएगी, आप मुझे हाउस अरेस्ट कर दीजिए। मैं आपके अच्छे से खातिरदारी करूंगा। तुम बड़े वीआईपी हो ना कि तुम्हें हाउस अरेस्ट करेंगे। चलो यहाँ से। आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? हम लोग मद्रास से आए हैं।
आइए बैठिए, चाय पी के बात करते हैं। हम लोग चाय पीने नहीं आए हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे बाप रे। हमेशा हंसते खेलते रहने वाली, आज तुम दुखी होकर बैठी हो, ये देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझसे ये नहीं देखा जाता बेटी। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह हंसी खुशी से जीने लोगो, तभी मुझे संतोष मिलेगा बेटी। मैं अब वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। मैंने तुझे इस हाल में देखने के लिए पाल पोसकर बड़ा किया था क्या? उस विजय ने तुझे धोखा दे दिया, ऐसा सोचकर तू अपनी जिंदगी खराब मत कर। सुमति मेरी बात मान ले बेटा, हमारे मैनेजर शिवलाल को मैंने यहाँ बुलाया है, वो हमारे बारे में और हमारे परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानता है बेटी। गुणवान भी है, अच्छा इंसान भी है। ऐसे लड़के से शादी करेगी तो तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। देख क्या रही है, मैं कभी भी तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। तुझे शिवलाल से शादी करनी ही होगी, बोल तेरी क्या मर्जी है। जो फैसला मैंने लिया था उसके गलत होने के बाद अब मैं फैसला नहीं करूंगी। अब तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। कोई अब टूर के मिल के मालिक कालीचरण प्यार करने वाले की मदद करने की वजह से जेल में बंद है, ऐसी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में छपी होगी तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। अरे ये बताओ तुम यहाँ कैसे? वैसे तो मेरी भी थोड़ी बहुत जाएगी। हा? लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता। क्यों? मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल का नाम भी पेपर में छपेगा तो पब्लिसिटी हो जाएगी ना, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। सुना क्या, हमने प्यार में मदद की इस वजह से हम अंदर हैं, और वो अंदर आया है अपने हॉस्पिटल की पब्लिसिटी करवाने। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर शिवलाल। अच्छा हुआ आपने सुमति को विजय से बचा लिया। आपके दिए हुए क्लू से हमने इन सबको अरेस्ट किया है, बहुत जल्दी हम विजय को भी अरेस्ट कर लेंगे। ओह वेल, कल मेरी सुमति से शादी है, आपको जरूर आना है। ओह जरूर आऊंगा। थैंक यू। इन सब कैदियों को अपनी सुरक्षा में शादी में ले आएंगे तो इन्हें भी एक टाइम का खाना मिल जाएगा। ये हमें खाने पर बुला रहा है। तू बहरा है क्या? मैं चलता हूँ। अब हमारे विजय का क्या होगा? बस कहानी खत्म। देश की एकता के लिए सभी लोगों को मिलकर साथ देना चाहिए, ऐसा कल दिल्ली में हुई एक मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आईजी और सुमति इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नारायण का खून करके विजय अंडरग्राउंड हो गया है। विजय के बारे में सूचना देने वाले को सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस ने ये सूचना दी है। इसके बारे में कोई सूचना देनी हो तो इस पते पर संपर्क करें। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुंबई। तुम ही हो विजय हो क्या? वाले को सरकार। अरे अरे वो विजय भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। अरे वो विजय था। अरे वो विजय था तो मैं जय हूँ, क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भाग कर गया वो विजय था। मुझे पहचाना? उस दिन जब पुलिस मुझे मार रही थी तो तुमने मुझे बचाया था। आज पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। चलो भाई चलो। अरे लेकिन जल्दी आ जाओ जल्दी करो। क्या देख रहे हो? मुझे बचाने की बात कह के तुम मुझे सुमति की फैक्ट्री में ले आए हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। पहले अंदर चलो, आराम से बैठो, मैं सब समझाऊंगा। चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? हम सुमति इंडस्ट्री में जाली नोट छापते हैं ये सोच रहे हो क्या? ये सब कौन करता है पता है? सुमति इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर सिंसियर शिव लाल। ए बदमाशो, फैक्ट्री में ये काम करके तुम सिर्फ सुमति को धोखा नहीं दे रहे हो बल्कि देश को भी धोखा दे रहे हो। अरे इसी जगह पे इसी तरह से उस आईजी ने गुस्सा किया था, बॉस ने उसे यहीं खत्म करवा दिया। आईजी नारायण को? हमने ही मारा था, जाली नोट छापते हुए उन्होंने देख लिया था, उन्हें तुरंत खत्म करने का शिवलाल ने हुक्म दे दिया। कहां है शिवलाल? सुबह होते ही सुमति से शादी करने वाला है वो। What? हाँ भाई, तुम बीच में टांग अड़ाओगे इसलिए तुम्हें भी खत्म करने का आदेश है। खत्म कर दो इसे। ओ
बॉस, आपके कहने के मुताबिक हम विजय को अपनी जगह पर ले आए हैं। बेवकूफ, अभी थोड़ी देर में बारात निकलने वाली है और मैं दूल्हा बनकर जा रहा हूँ, ये सब उनको मत बताना। आईजी को जैसे खत्म किया था वैसे ही विजय को खत्म कर दो। बॉस बॉस, हैप्पी मैरिड लाइफ। बेवकूफ, विश करने का टाइम है क्या ये? चल फोन रख। बेटी, बारात आने का वक्त हो गया है और तू यहाँ बैठकर रो रही है, देखने वाले लोग गलत समझेंगे। चल उठकर तैयार हो जा बेटी, चल अंदर। डंडी छीन ली। किसने छीनी तेरी डंडी? कौन है रे? मैंने। इससे भी बड़ा डंडा लेकर पुलिस कमिश्नर आ रहे हैं, वो देखिए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। शिवलाल, तुम हमसे नहीं बच सकते हो। तुमने जाली नोट छाप कर समाज को धोखा दिया है और सुमति इंडस्ट्री को मिसयूज किया है, ये हमें पता चल गया। हमारे पास सब सबूत है। इतना ही नहीं, रिटायर्ड आईजी श्री नारायण का कत्ल भी तुमने किया, ये भी हमें पता चल चुका है। अरे पापी, मैं तुझे अच्छा इंसान समझती थी। विजय, तुझे कुछ नहीं हुआ ना बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ, चिंता मत करो। मिस्टर विजय, हम आपके बहुत आभारी हैं। बहन जी, आपके बेटे की वजह से इस जाली नोट छापने वाले को हम पकड़ सके और इनकी वजह से इस लड़की की जिंदगी बच सकी। वेल डन मिस्टर विजय। थैंक यू सर, बट
वन मिनट सर, मुझे अपराधी बनाकर दर दर भटकने को मजबूर करने वाला मेन विलन ये है सर, सिंसियर शिवलाल। अगर इसे मैंने दो घूंसे नहीं मारे तो मुझे मजा नहीं आएगा। सोचिए मत सर, हाँ कर दीजिए। सो विथ योर परमिशन। विजय, विजय, तूने यहाँ आकर बहुत मुसीबतें उठाई हैं। मेरे बच्चे, मैं अपने दोनों परिवारों को एक करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था। तूने इस लड़की की जिंदगी बचा ली, यही काफी। चल अब अपने गांव चलते हैं बेटा। चल। विजय, I love you. विजय, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हें गलत समझकर न जाने कितना कुछ भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दो विजय। सासुमा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपने दोनों परिवारों को मिला दिया। उठो बेटी। ए बजा वाला, बजा बजाओ, बजा बजाओ। मेरी डंडी तो दीजिए सर। अरे बिना डंडी के बजाओ ना। ये लो। शर्मा रही है, शर्मा रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ सुमति। सुमति, आज से इस परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। दिया जलाओ बेटी। अब हमारी सुनो, माँ की बात मानकर तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमारी बात मानकर अपने पूरे घर में बच्चों की लाइन लगा दो। यही हमारी इच्छा है, सही कहा ना मैंने? चुप रहो ना यार, ये शर्मा रही है, बाद में मुझे परेशानी। शर्मा रही है? ए, ये सब क्या है? शर्माने का इको। सुमति, विजय को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। ये बहुत ही सीधा साधा लड़का है। इसे कभी तकलीफ मत पहुंचाना बेटी, हमेशा खुश रखना। हाँ भाभी, तुम्हें बहुत जिम्मेदारियां दी गई हैं। इससे रूम के अंदर प्याज मत कटवाना, नहीं तो ये रोने लगेगा। बहन पार्वती, दिया जलाने के बाद आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन मैं जब तक अपनी बेटी को कमरे तक नहीं पहुंचा देती, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। कहाँ है कमरा? ऊपर जाने के बाद लेफ्ट में जाओगे तो दरवाजे पर फूल मालाएं सजी होंगी। मुझे बहुत जल्दी है। अरे माँ, अगर वो किसी और कमरे में चली गई तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। मैं कमरा दिखा के आता हूँ। आपका बेटा सही सलामत वापस आ जाए। चुप कर। ए सावधानी से। वो क्या कुश्ती लड़ने जा रहा है? बाकी दुकान कितनी बार का चुप रहा है? बाद में शर्मा लेना। आओ। अरे अब इस दूध की क्या जरूरत है? मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, गाय से सीधा दूध निकाल के पिया है मैंने। ये मंगलसूत्र कितने तोले का है ये देखना जरूरी है ना? गजरे की खुशबू बहुत है। एक क्या हो गया है तुम्हें? हाफ स्कर्ट पहन के घूमती रहती हो, आप शर्मा रही हो? ये आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर बात करते हैं ना। बात करनी है इस समय? यहाँ बैठी पब्लिक क्या सोच रही होगी? बातें बातें बाद में कर लेंगे। परेशान मत कर वरना मारूंगा, दो चार डंडा लगा मैं दूंगा। आए दिन तू कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करता है, लगता है मुझसे शायद कुछ कम ही डरता है। रुक जा रुक जा रुक जा।